काली परछाई से क्रिश्चोर पर पड़ सकता है अंधेरा, क्या एक बार फिर से ऑडियंस अपने सुपर हीरो पर विश्वास कर पाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, जब क्रिश 3 रिलीज हुई थी तो उसके बाद से ही ऑडियंस क्रिश 4 की डिमांड करने लगे थे और इस डिमांड को फाइनली मेकर्स ने स्वीकार कर लिया है। जी हाँ, राकेश रोशन ने इस बात की स्वयं पुष्टि की कि आने वाले दिनों में क्रिश 4 पर काम हो सकता है, लेकिन ऑडियंस अभी भी क्रिश 4 को लेकर कुछ संकोच में है। दरअसल ऑडियंस के एक हिस्से को ये लग रहा है कि कहीं क्रिश 4 की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी ना हो कि झूठी कहानी दिखा दिया जाए केवल व्यूज बटोरने के लिए। कुछ गलतियां क्रिश 3 के वक्त हुई थी, क्या एक बार फिर से उन गलतियों को क्रिश 4 में दोहराया जाएगा? ये जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक पिक्चर को सक्सेसफुल बनाने के पीछे सारा खेल फिगर्स का होता है और इस बात से हम इनकार भी नहीं कर सकते। क्रिश 3 के रिलीज के बाद ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी थी। फिल्म से जुड़े तमाम मेकर्स और सारी कास्ट खुशियां मना रहे थे, तो इसी बीच इनके खुशियों को तब ग्रहण लगा जब बॉक्स ऑफिस एनालिस्ट और प्रोडक्शन हाउस ने जो भी आंकड़े दिखाए थे वो आपस में मेल नहीं खाते थे। इसके बाद सोशल मीडिया समेत कई प्लेटफॉर्म पर क्रिश 3 के मेकर्स ट्रोल हुए थे कि ये ऑडियंस को झूठी बॉक्स ऑफिस की डिटेल्स भेज रहे हैं। उस वक्त ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि क्रिश 3 एक सुपरहिट नहीं बल्कि फ्लॉप मूवी बनी है। दोस्तों, इसके बाद ऋतिक रोशन को खुद मीडिया में आकर एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। ऋतिक रोशन ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि इंडस्ट्री के कुछ लोग और मीडिया का एक हिस्सा उन्हें उनके पापा को और फिल्मों को गिराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पता नहीं लोग एक फिल्म की कामयाबी से इतना क्यों बुरा मान जाते हैं। हम सभी को एक साथ एक दूसरे को अपलिफ्ट करना चाहिए, ना कि नीचा गिराना चाहिए। क्रिश 3 के बारे में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, जब इस संदर्भ में प्रियंका चोपड़ा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े बिंदास अंदाज में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मैनिपुलेशन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी फ्लॉप फिल्म को सुपरहिट घोषित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि क्रिश 3 एक सुपरहिट फिल्म बनी है और उन्हें बहुत फक्र है कि वो इस पिक्चर का हिस्सा थी। क्रिश 3 के कंट्रोवर्सी से जुड़ा डर अभी भी ऑडियंस के मन में कायम है और इसी वजह से वो क्रिश 4 के लिए भी डर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, राकेश रोशन आने वाले दिनों में क्रिश 4 पर अपना काम शुरू करने वाले हैं और 2022 में इस पिक्चर को रिलीज करने की भी तैयारी है। लेकिन ऑडियंस के मन में अगर ये डर आगे भी कायम रहा तो फिल्म के मेकर्स के लिए काफी मुश्किलाहट आएगी, खासतौर पर बॉक्स ऑफिस पे। अब ये देखना हम सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या इंडियन ऑडियंस को एक बार फिर से अपने पहले सुपर हीरो पर भरोसा होगा या फिर नहीं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपकी इस पर क्या राय है। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप। ऋतिक रोशन की क्रिश 4 क्या होने वाली है, फिल्म की खास बात है, कौन सी एक्ट्रेस ऋतिक के साथ नजर आने वाली है और कैसे ऋतिक ने सिंटा को दी लाखों की मदद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों, ऋतिक रोशन लगातार अपनी क्रिश 4 को लेकर चर्चाओं में है और इस फिल्म से जुड़ी कोई ना कोई अपडेट सामने आती रहती है। पहले दीपिका पादुकोण के नाम इस फिल्म से जुड़ा और अब उर्वशी रौतेला का नाम भी इस फिल्म से जुड़ चुका है, तो लगातार अपडेट्स आती है। और इस बार तो हमारा जादू भी इस फिल्म में होने वाला है, तो फिल्म का बस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भयंकर बन चुका है। वही आपको बता दें, कोरोना महामारी के दौरान बॉलीवुड के कई कलाकारों ने आगे बढ़कर ज़रूरतमंद लोगों की मदद की है। इस लिस्ट में ऋतिक रोशन का नाम भी जुड़ चुका है। ऋतिक समय समय पर प्रभावितों की मदद करते नजर आए हैं।
वहीं ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन यानी कि सिंटा जिसे कहते हैं उन्हें 20 लाख रुपए डोनेट किए हैं। साथ ही उन्होंने एसोसिएशन के उन सदस्यों की मदद के लिए राशन किट भी दान किए हैं और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनकी मदद की है। ऋतिक रोशन द्वारा दी गई ये राशि टीकाकरण के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सिंटा के जनरल सेक्रेटरी अमित बहल ने बताया कि ऋतिक रोशन ने पिछले लॉकडाउन में भी हमारी सहायता की थी। उन्होंने पिछली बार 25 लाख रुपए दिए थे और इस बार भी उन्होंने 20 लाख का बड़ा दान किया है। उन्होंने बताया कि इस राशि के माध्यम से हम हमारे 5000 मेंबर्स का वैक्सीनेशन करवाएंगे। इसके अलावा हम इसी राशि से गरीबी रेखा से जो नीचे के मेंबर्स हैं उन्हें राशन भी उपलब्ध कराएंगे। आपको बता दें सिंटा के 60% मेंबर्स दिहाड़ी मजदूर हैं जो लॉकडाउन से परेशान हैं। कई लोग दूसरे काम करने के लिए भी मजबूर हो चुके हैं। अक्षय कुमार ने भी हाल ही में डांसर्स की मदद की थी। अक्षय कुमार ने 3600 डांसर्स के साथ राशन का खर्चा उठाया था और गणेश आचार्य के साथ मिलकर उन्होंने ये खर्चा उठाया। वहीं विकी कौशल ने सिंटा को 2.5 लाख की मदद दी। अमित बहल ने बताया कि सिंटा के 1400 सदस्यों को पहले ही राशन उपलब्ध कराया गया है। साल भर से जमा हुए जो फंड थे उससे 3000 रुपये एसोसिएशन ने लगभग 2000 सदस्यों को ट्रांसफर भी किए हैं। तो दोस्तों इस मुश्किल दौर में फिल्म इंडस्ट्री लगातार सामने आ रही है और बड़े बड़े काम कर रही है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होना चाहिए। वहीं आपको बता दें दोस्तों क्रिश 4 की तैयारियां पूरी हो चुकी है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है इस फिल्म का शूट भी शुरू कर दिया जाएगा। इस बार हॉलीवुड टीम को हायर किया गया है। इसके VFX एक्शन सब कुछ हॉलीवुड टीम करने वाली है। राकेश रोशन कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते फिल्म में। तो दोस्तों आप कितना वेट कर रहे हैं क्रिश 4 का? क्या सच में क्रिश 3 की इस बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी का असर पड़ने वाला है क्रिश 4 पर भी? क्या सच में फिल्म के बिकाऊ होने के लिए राकेश रोशन ने अपने प्रशंसकों को झूठ बेचा था? और क्या है इसके पीछे की छुपी हुई पूरी कहानी? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी दोस्त मीनाक्षी और आज हम फिर बात करेंगे एंटरटेनमेंट जगत की कुछ नई खबरों की। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिश 3 अपने साल की हाईएस्ट ग्रॉसर मूवीज में से एक थी या शायद नहीं भी। ओके आप कंफ्यूज मत होइए, लेट मी एक्सप्लेन। दरअसल इस मूवी के ग्रॉसर मूवी होने के पीछे बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज छुपी हुई हैं। हालांकि ये मूवी हिट जरूर हुई थी लेकिन इस मूवी को कुछ ऐसे एलिमेंट्स से जोड़ के रख दिया गया था कि ये मूवी के पिछले सीक्वल्स में ऐसा कुछ देखा ही नहीं गया था। साथ ही साथ में इस मूवी में कुछ ऐसी चीज़ें भी थी कि जहाँ बच्चों से भरा सिनेमा हॉल हुआ करता था उसके लिए वहीं पर बच्चों के लिए सीट ही नहीं मिल रही थी। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ में राकेश रोशन ने क्या अपनी मूवी को बिकाऊ बनाने के लिए बेच दिया था झूठ और दिखावा? आइए इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों ऋतिक रोशन का ड्रीम प्रोजेक्ट है क्रिश और इनकी अभी तक 3 मूवीज आ चुकी हैं और इस सीरीज में जल्द ही क्रिश 4 जुड़ने वाला है। हमने आपको अपनी पिछली एक वीडियो में इस मूवी के और इस मूवी से छुपी कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ अनजान बातें बताई थी और आज हम उन्हीं बातों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। यानी कि आइए थोड़े गहराई में उन बातों को समझते हैं। देखिए डिसीजन हमेशा ऑडियंस का ही रहेगा यानी कि आपका। आप दर्शक हैं और आप ही के हाथ में किसी भी मूवी को उठाना या गिराना बनता है। बट इस मूवी के पीछे दर्शक ही कंफ्यूज हो गए थे कि इस मूवी को देख के क्या रिस्पांस दिया जाए। दरअसल ये सारी कंट्रोवर्सी इस बात के बीच में थी कि प्रोड्यूसर द्वारा बताया गया कलेक्शन फिगर और एनालिस्ट का कलेक्शन फिगर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था एक दूसरे से। और अक्सर ऐसा हो भी जाता है क्योंकि इनके पीछे कुछ छुपे होती हैं अलग अलग लेवल पर काम करने वाली चीजें। लेकिन इस मूवी में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आया था दोनों फिगर्स के बीच में जो कि ऑडियंस के लिए काफी कंफ्यूजिंग था। तो दोस्तों यूं तो हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर को ही मूवी के एक्यूरेट बजट के बारे में पता होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हीं को पता होता है कि मूवी किन किन एग्जीबिटर के पास गई हुई है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस ये आता है कि आपके टाइम पर फर्स्ट डे अर्निंग को प्रमोशनल मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और इसीलिए प्रोड्यूसर और फिल्म के मेकर इस फिगर को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि फिल्म तो ताबड़तोड़ है। और उसके बाद क्या सिनेमाघरों में पूरी लाइन भरी मिलती है
मूवी के टिकट काउंटर के पास। अब अगर बात करें दूसरी तरफ एनालिस्ट वेबसाइट के बारे में, तो एनालिस्ट वेबसाइट्स के जितने भी सोर्स होते हैं वह सारी चीजों पर रिसर्च करते हैं अपने हर सिटी में ओरिएंट किए हुए सोर्सेज के द्वारा। लेकिन एक्यूरेशन इनकी फिगर में भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस चीज की कंफर्मेशन कभी नहीं होती कि क्या इसके अंदर छुपी हुई सारी फिगर्स एक्यूरेट हैं और कि क्या कोई भी एग्जिबिटर छूटा नहीं है। इसीलिए इन दोनों के बीच के फिगर करेक्शन और डिफरेंस को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। हालांकि डिसीजन अभी भी आपका ही है कि आप किस पर यकीन करना चाहेंगे और किस पर नहीं। ये तो मानना होगा कि क्रिश 4 के ऊपर इस बात की थोड़ी सी हवा चल सकती है और कॉन्ट्रोवर्सी में ये चीज उठ सकती है, लेकिन आखिर में क्या होता है ये देखने की बात होगी, क्योंकि क्रिश 4 ऐसी मूवी नहीं है कि जिसको इसकी हवा उड़ा कर ले जाए। क्रिश 4 को ये चीज हवा जरूर लग सकती है, पर इसका तूफान कभी नहीं बना जा सकता। इसीलिए अब देखना होगा कि इस मूवी के बारे में कौन कौन सी नई दिलचस्प बातें हम लोग के सामने आती रहती हैं। खैर, हम आपके लिए कुछ कंफ्यूजन नहीं रखेंगे और हमेशा की तरह लाते रहेंगे फिल्मी जगत की सारी खबर। आखिर किस एक्लेम्ड एक्टर की क्रिश 4 में एंट्री होने की चल रही है बात? क्यों पहले इस कोलैबोरेशन को बता दिया गया था इम्पॉसिबल? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। क्रिश 4 एक काफ़ी बिग बजट हाईली अवेटेड फिल्म है, जिसमें इंडिया के मोस्ट हैंडसम ऋतिक रोशन फिर एक बार सुपर हीरो क्रिश का रोल निभाने के लिए तैयार है। शायद क्रिश 3 से पहले क्रिश सीरीज को चिल्ड्रन प्रोजेक्ट माना जाता था, लेकिन क्रिश 4 ने इसके लेवल को कई गुना बढ़ा दिया है। यही कारण है कि अब इस फिल्म से बड़े बड़े लोगों के नाम भी जुड़ने लगे हैं, ऐसे नाम जिनकी अपॉइंटमेंट पाने के लिए भी डायरेक्टर्स को कई दिनों तक लाइन में लगना पड़ता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की क्रिश 4 में एंट्री की खबर तो आपने सुन ही ली होगी, लेकिन अब एक और ग्रेट एक्टर के भी फिल्म का हिस्सा बनने की बातें हो रही हैं। तो कौन है ये, इसे जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्रिश 4 से नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम जुड़ने के बाद कई फैंस ने इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के होने की इच्छा को भी जताया था। ऐसे में हमें फिर एक बार नवाजुद्दीन और मनोज सर की जोड़ी देखने को मिलती और शायद बिना ट्रेलर्स देखे ही फिल्म सुपरहिट हो जाती। तो यहाँ अभी फैंस उम्मीदें लगा ही रहे थे, तब तक ही खबरें आ गई कि मनोज सर ने ऋतिक रोशन की मोस्ट लाइकली अपकमिंग फिल्म द नाइट मैनेजर में हुग लॉरी के रोल को करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि द नाइट मैनेजर इदरिल अल्बा की एक प्रेज़वर्दी फिल्म है, जिसके हिंदी अडेप्टेशन की बातें चल रही हैं, और फिल्म में हुग लॉरी का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी मनोज सर ने इस रोल को करने से ना कर दिया है। तो ऐसे में क्रिश 4 में उनके साथ काम करने की तो उम्मीदें भी छोड़ ही देनी चाहिए। हालांकि आखिरकार कई स्पेक्यूलेशंस के बाद मनोज सर ने इस ऑफर को रिजेक्ट करने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म से तो कोई तभी निकल सकता है जब वो उसमें गया हो, मेरे पास ये फिल्म कभी आई ही नहीं तो मैं इसे रिजेक्ट कैसे करूँगा। आजकल लोग कहीं सुनी बातों को खबर बना देते हैं, इससे एक चीज़ तो साफ हो गई है कि दोनों स्टार एक्टर्स के बीच कोई इश्यूज़ नहीं है, और क्या पता अगर राकेश रोशन उनके लिए एक पावरफुल रोल लिखकर मनोज सर के पास जाते हैं तो शायद क्रिश 4 का हिस्सा बनने के लिए वो तैयार भी हो जाएं। तो ऐसे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्लस मनोज बाजपेयी की ये जोड़ी क्रिश पर क्या जुल्म ढाती है, ये देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या आप मनोज सर को राकेश रोशन की इस सुपर हीरो सीरीज अब क्यों रही हैं क्रिश 4 के लिए पैरेलल यूनिवर्स वाली कंट्रोवर्सी, और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? क्या क्रिश 3 के बारे में ऑडियंस के लिए ये पैरेलल यूनिवर्स को पेश किया जाना क्रिश 4 के लिए भारी पड़ सकता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट मीनाक्षी, और बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं क्रिश 4 के बारे में। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि कैसे क्रिश 3 के बारे में काफी सारी अफवाहें उड़ रही हैं, और साथ ही साथ में लोगों ने उसको फ्यूचर डिटेक्टिंग स्टोरी बता दिया था, और उसको साथ ही साथ में कोविड और फंगस के साथ कैसे रिलेट किया था, जिसकी वजह से और ज्यादा हाइप अप हो चुका था क्रिश 4 का फैन बेस।
राकेश रोशन द्वारा निर्देशित यह मूवी में ऋतिक रोशन एज मेन लीड नजर आने वाले हैं और एक बार फिर से ब्लैक कोट और ब्लैक मास्क के साथ वह पूरी दुनिया को बचाने के लिए तैयार हैं। इस मूवी को लेकर काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज उड़ चुकी हैं, जिसके पीछे का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है क्रिश 3 को। जी हाँ दोस्तों, फिर से जैसे पिछली बार हमने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि कैसे ऑडियंस ने इसको एक फ्यूचर डिक्टेटिंग स्टोरी दर्शा दिया है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ऑडियंस के लिए यह एक पैरेलल यूनिवर्स का पोजेशन हो चुका है। तो आइए इसके बारे में भी कुछ बात करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पैरेलल यूनिवर्स एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स उसको बोला जाता है जहां पर जो अभी हो रहा है उसका एग्जैक्ट चीज उल्टा होता है, यानी कि वो दुनिया भी हमारी दुनिया की तरह चलती रहती है हम लोगों के साथ साथ ही पैरेलल फॉर्म में, लेकिन वहां पर जो यहाँ पर हो रहा है उसके कंपेयर में सब उल्टा होता है। फिर भले ही वो रिश्ते हों, एक्सप्रेशन, इमोशन, इंसान का कैरेक्टर या खुद इंसान। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो पैरेलल यूनिवर्स से कैसे क्रिश 3 को जोड़ चुके हैं लोग। तो दरअसल बात यह है कि इस मूवी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनमें से कि कुछ की ऑफ स्क्रीन भी काफी ज्यादा किस्से कहानियां हैं, जिनमें से सबसे पहले नाम आता है हमारी कंगना रनौत और ऋतिक रोशन का, जहां पर ऑन स्क्रीन कंगना रनौत कृष्णा के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तक तैयार होती हैं, वहीं असल लाइफ में इन दोनों के बीच में इतनी बुरी हिस्ट्री है और इतनी ज्यादा अनबन है कि दोनों के दोनों अगर साथ में कहीं चले जाएं तो वापस सिर्फ एक ही लौट पाएगा। क्रिश 4 इतनी ज्यादा अवेटेड मूवी है, उसका फैंस काफी समय से इतना इंतजार कर रहे हैं कि उसकी रिलीज को कई बार तो अफवाह समझ लिया गया, लेकिन हर बार राकेश रोशन ने ये बात क्लियर की कि मूवी सच में बनने वाली है। अब अगर बात करें एक और कैरेक्टर के बारे में, तो जहां पर ऑन स्क्रीन दिखाया गया था कि विवेक ओबरॉय यानी कि हमारे क्रिश 3 के काल हमारे क्रिश यानी कि हमारे ऋतिक रोशन के जान के दुश्मन है, वहीं रियल लाइफ में दोनों के दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत ही सुंदर है और साथ में हमेशा ही वो दूसरों के काम की बेहद तारीफ करते हैं। जहाँ एक तरफ ऋतिक रोशन हमेशा एक बात बोलते हैं कि काल का पार्ट विवेक ओबरॉय से बेहतर कोई निभा ही नहीं सकता, वहीं सेम जगह पर विवेक ओबरॉय भी ऋतिक रोशन के तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते और उन्होंने हमेशा ये बात बोली है कि जिस तरीके से ऋतिक रोशन ने क्रिश कृष्ण और रोहित का कैरेक्टर साथ में संभाला है वो चीज बहुत ही इनक्रेडिबल है और ये चीज से हम सब ही अग्री भी करते हैं। अब देखना होगा कि क्या इस बार कहानी में काल यानी कि हमारे विवेक ओबरॉय और ऋतिक रोशन की इस ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को ऑन स्क्रीन दिखाया जाएगा और अगर हाँ तो किस तरीके से। तो दोस्तों, यही थी इसके पीछे की पैरेलल यूनिवर्स वाली कहानी। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर लें ताकि एंटरटेनमेंट जगत से आप जुड़े रहें हमेशा। कब हो रही है पिक्चर रिलीज, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने वॉर के बाद किसी बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट नहीं की थी, लेकिन अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि वो आने वाले दिनों में क्रिश फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म के लिए अपना काम शुरू कर सकते हैं। राकेश रोशन ने खुद इस बारे में संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में क्रिश 4 पर काम शुरू हो सकता है और इतना ही नहीं, क्रिश 4 में आपको सुपर हीरो के साथ सुपर हीरोइन का भी किरदार देखने को मिलेगा। हालांकि ये किरदार कौन निभाती है ये जानने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि क्रिश 4 में ऋतिक रोशन ट्रिपल किरदार निभाते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्रिश फ्रेंचाइज की बाकी फिल्मों में ऋतिक रोशन ने ड्यूअल रोल निभाए थे। जी हाँ, रोहित और क्रिश का किरदार, और क्रिश 3 में हमें देखने को मिला था कि कैसे रोहित के किरदार की मौत हो जाती है। क्रिश 4 में इसी कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा और हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे जादू रोहित को वापस ले आता है स्पेस से। इसी तरह एक बार फिर से क्रिश 4 में पिता और बेटे का मिलन होगा रोहित और क्रिश का। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि क्रिश 4 में ऋतिक रोशन एक सुपर विलन का किरदार भी निभाने वाले हैं, जो होगा उनका तीसरा किरदार। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि फाइट है ऋतिक रोशन वर्सेस ऋतिक रोशन में ही। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि इस पिक्चर में ऋतिक रोशन ना सिर्फ एक सुपर हीरो का किरदार निभाने वाले हैं, बल्कि सुपर विलेन का भी।
दोस्तों ये सुपर फाइट कितनी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन जब से इस खबर की अनाउंसमेंट हुई है फैंस मानो खुशी से झूम उठे हैं। जी हाँ, वो इंतजार नहीं कर पा रहे हैं कि क्रिस 4 कब रिलीज होगी। फीमेल लीड की अगर बात करें तो क्रिस 4 के लिए कियारा आडवाणी का नाम फिलहाल सबसे ऊपर चल रहा है। फिल्म की ऑफिशियल यूनिट द्वारा कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है कि फीमेल लीड कौन निभाएगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि क्रिस 4 में कियारा आडवाणी को कास्ट किया जा चुका है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि क्रिस 4 में शायद आपको प्रियंका चोपड़ा नहीं देखने को मिलेगी। वेल, इस खबर के साथ कई लोग शॉक में भी हैं कि कैसे ऋतिक रोशन अपनी ही फिल्म में सुपर हीरो और सुपर विलेन का किरदार एक साथ निभाने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड में अब ये कॉन्सेप्ट काफी पुराना हो चुका है। जी हाँ, इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी फिल्म रोबोट के साथ, जहां वो एक तरफ प्रोफेसर का किरदार निभाते हुए नजर आए थे तो दूसरी तरफ विलेन का भी। रोबोट के सीक्वल में भी रजनीकांत ने ट्रिपल रोल निभाए थे, जहां वो दिखे थे साइंटिस्ट, गुड रोबोट और इविल रोबोट का किरदार निभाते हुए। दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक ही फिल्म में एक ही हीरो द्वारा कई बार ट्रिपल रोल्स या ड्यूअल रोल्स निभाए गए। आप कितने एक्साइटेड हैं क्रिस 4 के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आनी है पढ़ना, बस को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियो को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बॉलीवुड के क्या है राकेश रोशन की अपकमिंग फिल्म क्रिश और मार्वल सीरीज के बीच रिलेशन, सितारों की रियल लाइफ केमिस्ट्री को किस तरह डायरेक्टर साहब बनाएंगे इस अपकमिंग फिल्म का बेसिस। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। दोस्तों क्रिश 4 ऋतिक रोशन की अपकमिंग सुपर हीरो फिल्म है, जिसका निर्देशन सीरीज की पिछले फिल्मों की तरह ही एक बार फिर पापा राकेश रोशन ही करेंगे। दोस्तों क्रिश 3 की तरह ही ये फिल्म भी अपने साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट से लोगों को हैरान करने और उनके दिल जीतने के लिए तैयार है। जहां पिछली बार फिल्म से जुड़े नए किरदार जैसे कि काल और काया फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन थे, तो वहीं इस बार किरदारों की बॉन्डिंग फिल्म को आगे लेकर जाएगी। कैसे, चलिए बताते हैं। और अब इन सभी सवालों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि ऐसी खबरें हैं कि क्रिश 4 में क्रिश टाइम ट्रैवल करके अपने पापा रोहित को बचाने जाएगा। इस न्यूज ने ऑलरेडी फिल्म को सुपर हीरो यूनिवर्स मार्वल से जोड़ दिया है, जिसकी एवेंजर्स एंड गेम फिल्म में भी यही टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि एक लौता टॉपिक नहीं है जिसमें इस इंडियन सुपर हीरो और अमेरिकन सुपर हीरो सीरीज का तार भिड़ रहा है, बल्कि दोनों कहानियों में एक और सिमिलैरिटी होने वाली है। अब हो सकता है कि इस टाइम ट्रेवल मिशन में क्रिश काल की मदद ले। जी हाँ दोस्तों, विवेक ओबेरॉय। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो मर गया है, लेकिन उसका फिजिकल फॉर्म मरा है, उसकी एनर्जी उसकी किसी बिलोंगिंग में स्टोर हो गई थी। जाहिर है काल फ्री में तो कृष्णा की मदद करेगा नहीं, और दोनों के बीच में कोई डीलिंग होगी। इसके बाद दोनों अपने मिशन पर निकलेंगे। और दोस्तों सबसे खास बात तो यही हो सकती है कि इस फिल्म में काल का किरदार मार्वल के फेमस कैरेक्टर लॉकी जैसे दिखाया गया है, जिसकी कई बार सुपर हीरोज को जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अक्सर अपने फायदे के लिए पार्टी बदल लिया करता है। तो काल और कृष्णा के बीच थॉर और लॉकी जैसे बॉन्डिंग देखने के चांसेस हैं। वैसे भी मार्वल ने हाल ही में अपनी लॉकी सीरीज रिलीज की है, जिसकी हर जगह वाहवाही हो रही है। अब दोस्तों देखना होगा कि इस खट्टे मीठे रिश्ते को फिल्म में कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, और क्या लॉकी की डगर जानना फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है या नुकसानदायक। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आप काल को इंडियन लॉकी बनते देखना चाहते हैं। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। साथ ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राय, क्या कियारा आडवाणी करेंगी ऋतिक रोशन के साथ रोमांस, आखिर कितने किरदार निभाएंगे क्रिश 4 में ऋतिक, और क्या क्रिश 4 के लिए ऋतिक ने छोड़ दिया प्रीति जिंटा का साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हिंदी फिल्मों की मशहूर क्रिश फ्रेंचाइजी का निर्माण करने वाले निर्देशक
राकेश रोशन इस फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त पर बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सालों से वह पटकथा लिखने में लगे हुए हैं और नई फिल्म के सहारे वह इस फ्रेंचाइजी को और भी बड़ा करने की कोशिश में है। इसी बीच सूत्रों ने खबर दी है कि क्रिश 4 में अभिनेता ऋतिक रोशन एक या दो नहीं बल्कि पूरे 4 अलग अलग किरदारों में नजर आएंगे। साथ ही राकेश रोशन कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म के साथ एक महिला सुपर हीरो भी मैदान में उतरे। अब ये खबरें तो काफी दिनों से मिल रही हैं कि राकेश रोशन ने क्रिश 4 के लिए सोच रखा है कि वो इस फिल्म में हीरो भी ऋतिक रोशन को ही बनाएंगे और विलेन भी। लेकिन ये बात कुछ नई है कि ऋतिक रोशन एक ही फिल्म में पूरे 4 किरदारों में नजर आएंगे। ये चारों ही किरदार अलग अलग होंगे और इस फिल्म की कहानी के लिए काफी अहम भी होंगे। इसके अलावा राकेश रोशन ये योजना बना रहे हैं कि वो इस फिल्म के साथ एक महिला सुपरहीरो का भी परिचय दर्शकों से करवाएंगे। राकेश रोशन क्रिश 4 के लिए सोच कर बैठे हैं कि ये फिल्म काफी बड़े बजट की होने वाली है। जाहिर है कि ये एक सुपरहीरो फिल्म है तो इसमें स्पेशल इफेक्ट्स और VFX का काम भी बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। कुछ समय पहले खबरें तो ये भी थी कि क्रिश 4 के साथ फिल्म कोई मिल गया का जादू भी अंतरिक्ष से वापस लौटेगा। इस तरह से आगे पुरानी चीजें भी नई कहानी में वापस लौट कर आएंगी तो फिल्म का बजट अपने आप ही काफी ऊंचा हो जाएगा। इस फिल्म को लेकर कुछ ही दिनों पहले ये भी खबर और आई थी कि राकेश रोशन ने क्रिश 4 के लिए मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने के लिए युवा अभिनेत्री कियारा आडवाणी से बातचीत की है। बताया तो ये भी जा रहा है कि कियारा आडवाणी भी इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जब नई बात पता चली है कि राकेश रोशन ने एक महिला सुपर हीरो को फिल्म में दिखाने का फैसला किया है तो हो सकता है कि वह महिला सुपर हीरो और कोई नहीं बल्कि कियारा आडवाणी ही बने। हालांकि इसके बारे में अभी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। ये बात तो तय है कि कियारा की जोड़ी ऋतिक रोशन के किसी एक किरदार के साथ रोमांटिक एंगल में दिखाई जाएगी। अब तक ये मामला बातचीत के स्तर पर ही कायम है। राकेश रोशन ने इन सभी मामलों के बारे में चुप्पी साध रखी है। वह फिलहाल अपनी फिल्म के बारे में कोई भी जानकारी सामने से नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वह फिलहाल के लिए पटकथा पर काम कर रहे हैं और इसके पूरा होने के बाद ही कोई आधिकारिक घोषणा करेंगे। तो आपको बता दें कि क्रिश 3 वर्ष 2013 में रिलीज हुई थी जिसमें ऋतिक रोशन के साथ प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत और विवेक ओबरॉय मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। हिंदी सिनेमा के दो बेहद सफल सितारे ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर के प्री प्रोडक्शन का काम शुरू होने के साथ ही ऋतिक रोशन की बहुप्रतीक्षित फिल्म क्रिश 4 की भी शूटिंग अगले साल शुरू की जाएगी। फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है और इसकी शूटिंग इसी साल शुरू हो जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बताया जा रहा है कि क्रिश 4 का सारा काम संभालने के लिए ही ऋतिक रोशन ने प्रीति जिंटा के प्रोडक्शन हाउस की वेब सीरीज में काम करने तक से मना कर दिया है। ऋतिक रोशन के डिजिटल डेब्यू को लेकर पिछले 6 महीने से लगातार खबरें आ रही हैं। ये सीरीज एक जासूस की कहानी है जो कि एक मिशन को पूरा करने के लिए एक होटल में नाइट मैनेजर के रूप में काम करता है। ऋतिक रोशन यशराज फिल्म्स की वॉर फिल्म में भी कबीर नामक जासूस के किरदार में नजर आ चुके हैं और जानकारी के मुताबिक कंपनी की अगली फिल्म पठान में भी उनका ये किरदार वापसी करेगा। एक जासूसी किरदार के रूप में पहले से मशहूर हो चुके ऋतिक रोशन के सामने दूसरी समस्या नाइट मैनेजर की रीमेक को लेकर ये भी आग खड़ी हुई थी कि उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म को लेकर उनके पास रोज ही फोन आ रहे थे। इस साल के तकरीबन सारे शुक्रवार नई फिल्मों की रिलीज के लिए रिजर्व हो चुके हैं। अगले साल के बड़े त्योहारों के लिए भी बड़ी फिल्मों की बुकिंग पूरी हो रही है। ऋतिक के करीबियों की इच्छा है कि ऋतिक क्रिश 4 का जल्द से जल्द आधिकारिक ऐलान करे ताकि साल 2022 के आखिर या साल 2023 के शुरू के महीनों की कोई रिलीज डेट अभी से ही ब्लॉक की जा सके। क्रिश की शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए करीब 2 साल का समय चाहिए और बैंग बैंग व वॉर के बाद फाइटर में ऋतिक को निर्देशित कर रहे निर्देशक
सिद्धार्थ आनंद भी ऋतिक को क्रिश 4 के लिए काफी मदद करने वाले हैं। इन्हीं सब तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अब नाइट मैनेजर सीरीज में काम कर पाना ऋतिक के लिए काफी मुश्किल हो गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सीरीज हिंदी में प्रीति जिंटा अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए बनाने वाली थी और एक बड़ी ओटीटी कंपनी ने इसके पहले सीजन में काम करने के लिए ऋतिक को जानकारी के मुताबिक 75 करोड़ रुपए देने का वादा भी किया था। डेफ एंड फिल्म्स की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू लिस्ट के मुताबिक देश के टॉप 10 सेलिब्रिटी में शामिल ऋतिक रोशन का करिश्मा फिल्म सुपर 30 के बाद से धीरे धीरे एक नए मुकाम की तरफ बढ़ रहा है। फिल्म बोर्ड ने उन्हें किसी एक फिल्म के लिए हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा रकम पाने वाला सितारा पहले ही बना दिया है और अब उनकी टीम चाहती है कि वह अपने इस ब्रांड को फिल्म क्रिश 4 से नई ऊंचाइयों पर ले जाए। तो क्या आपको लगता है क्रिश 4 साइंस फिक्शन दुनिया के दरवाजे खोलेगी भारतीय जनता के लिए? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है सिमरन। कौन कौन सी हिट फिल्में दी है ऋतिक ने सिनेमा को? क्या कहूँ ना प्यार की पॉपुलैरिटी भारी पड़ रही है आज भी सब मूवी पर। कैसा रहा अलग अलग अंदाज और किरदार में फिल्में करने का सफर ऋतिक का? हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सुपरस्टार की जिसका हर कोई दीवाना है। अब चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या फिर कोई बच्चा, लड़कियां उनके लुक्स पर मरती हैं, लड़के उनकी फिटनेस के दीवाने हैं तो बच्चे उनके डांस के फैंस हैं। यही कारण है कि वो सुपरस्टार से भी ऊपर वाले स्टार बने हुए हैं। अभी हाल ही में इनकी क्रिश 4 आने की अनाउंसमेंट हुई जिसके लिए हर कोई बेकरार है, क्योंकि ये वो सीरीज है जिसे हर कोई पसंद करता है और हर एक पार्ट को अपना बहुत सारा प्यार दिया। यही कारण है कि इसके पार्ट आते ही जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि क्रिश 4 रिलीज हो और आप सब उसमें खो जाएं, आपको जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी फिल्में बनी जिसने क्रिश की सीरीज की तरह अपनी छाप दुनिया और लोगों के दिलों में छोड़ दी। इसमें सबसे पहले नंबर पर साल 2000 की फिल्म कहूँ ना प्यार है आती है। मूवी कहूँ ना प्यार है 2000 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक और लेखक राकेश रोशन हैं। इस फिल्म के द्वारा ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल ने फिल्मों में अपने अभिनय के सफर को शुरू किया था। इसमें ऋतिक रोशन ने रोहित और राज की दोहरी भूमिका निभाई है। ये फिल्म 2000 की सबसे सफल फिल्मों में से एक है, कई पुरस्कार भी मिले इसे। राकेश रोशन को निर्माता और निर्देशक के रूप में भी फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के लिए ऋतिक रोशन को एक ही फिल्म में ये दोनों पुरस्कार भी मिले। कहूँ ना प्यार है फिल्म में पहले करीना कपूर खान को कास्ट किया गया था। करीना की माँ बबीता का राकेश रोशन से मतभेद हुआ और करीना ने फिल्म छोड़ दी। फिर राकेश ने एक नई लड़की को लेकर शूटिंग शुरू की। इस प्रकार ये फिल्म करीना की डेब्यू फिल्म न होकर अमीषा की डेब्यू फिल्म हुई और जो लोगों के दिलों में बस गई। फिर आती है साल 2001 की कभी खुशी कभी गम, जो कि एक पारिवारिक फिल्म थी। इसमें एक अमीर दंपत्ति के गोद लिए हुए बड़े बेटे राहुल को उसके पिता घर से निकाल देते हैं जब वो एक मध्यम वर्गीय लड़की से शादी करने का फैसला करता है। वर्षों बाद उसका छोटा भाई रोहन उसकी तलाश में जाता है। ये फिल्म घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। भारत के बाहर ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। इसमें ऋतिक और करीना की जोड़ी को काफी सराहना मिली थी। फिल्म कोई मिल गया को हम कैसे भूल सकते हैं? इसमें रोहित की दोस्ती एक एलियन से होती है। जब पुलिस को पता चलता है तो वो उसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन रोहित अपने नए दोस्त की रक्षा करने की पूरी कोशिश करता है। इस फिल्म की कहानी में एलियन और मनुष्य की दोस्ती को बयां किया गया था। इसका जादू नाम का किरदार बेहद फेमस हुआ था। बौने जादू का रोल निभाने वाले एक्टर का नाम है इंद्रावदन पुरोहित। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया है। 28 सितंबर 2014 को इस कलाकार का निधन हो गया था। जादू का कॉस्ट्यूम ऑस्ट्रेलिया आर्टिस्ट जेम्स केलर ने तैयार किया था।
कोई मिल गया 2003 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म सफल रही और इसे कई पुरस्कार भी मिले। इसकी अगली दो कड़ी भी आई, क्रिश और क्रिश 3, और इसके साथ क्रिश 4 भी आने वाली है। ऐसी ही और भी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें ऋतिक ने कमाल का काम किया। अगर आप वो भी जानना चाहते हैं कि कौन सी फिल्में हैं और उनका लोगों में क्या रिस्पॉन्स रहा, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। आखिर किस एक्लेम्ड एक्टर की क्रिश 4 में एंट्री होने की चल रही है बात? क्यों पहले इस कोलैबोरेशन को बता दिया गया था इम्पॉसिबल? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। क्रिश 4 एक काफी बिग बजट हाईली अवेटेड फिल्म है जिसमें इंडिया के मोस्ट हैंडसम ऋतिक रोशन फिर एक बार सुपर हीरो क्रिश का रोल निभाने के लिए तैयार है। शायद क्रिश 3 से पहले क्रिश सीरीज को चिल्ड्रन प्रोजेक्ट माना जाता था, लेकिन क्रिश 4 ने इसके लेवल को कई गुना बढ़ा दिया है। यही कारण है कि अब इस फिल्म से बड़े बड़े लोगों के नाम भी जुड़ने लगे हैं, ऐसे नाम जिनकी अपॉइंटमेंट पाने के लिए भी डायरेक्टर्स को कई दिनों तक लाइन में लगना पड़ता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की क्रिश 4 में एंट्री की खबर तो आपने सुन ही ली होगी, लेकिन अब एक और ग्रेट एक्टर के भी फिल्म का हिस्सा बनने की बातें हो रही हैं। तो कौन है ये, इसे जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। क्रिश 4 से नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम जुड़ने के बाद कई फैंस ने इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के होने की इच्छा को भी जताया था। ऐसे में हमें फिर एक बार नवाजुद्दीन और मनोज सर की जोड़ी देखने को मिलती और शायद बिना ट्रेलर्स देखे ही फिल्म सुपरहिट हो जाती। तो यहाँ अभी फैंस उम्मीदें लगा ही रहे थे, तब तक ही खबरें आ गई कि मनोज सर ने ऋतिक रोशन की मोस्ट लाइकली अपकमिंग फिल्म द नाइट मैनेजर में हुग लॉरी के रोल को करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि द नाइट मैनेजर इदरिल अल्बा की एक प्रेज़वर्दी फिल्म है जिसके हिंदी अडेप्टेशन की बातें चल रही हैं, और फिल्म में हुग लॉरी का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी मनोज सर ने इस रोल को करने से ना कर दिया है। तो ऐसे में क्रिश 4 में उनके साथ काम करने की तो उम्मीदें भी छोड़ ही देनी चाहिए। हालांकि आखिरकार कई स्पेकुलेशंस के बाद मनोज सर ने इस ऑफर को रिजेक्ट करने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म से तो कोई तभी निकल सकता है जब वो उसमें गया हो, मेरे पास ये फिल्म कभी आई ही नहीं तो मैं इसे रिजेक्ट कैसे करूँगा। आजकल लोग कहीं सुनी बातों को खबर बना देते हैं, इससे एक चीज तो साफ हो गई है कि दोनों स्टार एक्टर्स के बीच कोई इश्यूज नहीं है। और क्या पता अगर राकेश रोशन उनके लिए एक पावरफुल रोल लिखकर मनोज सर के पास जाते हैं तो शायद क्रिश 4 का हिस्सा बनने के लिए वो तैयार भी हो जाए। तो ऐसे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्लस मनोज बाजपेयी की ये जोड़ी क्रिश पर क्या जुल्म ढाती है, ये देखने में काफी मजा आने वाला है। अब आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या आप मनोज सर को राकेश रोशन की इस सुपर हीरो सीरीज का हिस्सा बनते देखना चाहते हैं या नहीं। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। आज की स्क्रिप्ट राइटर है उपासना पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिश जैसी और कितनी मूवी है जो बनी है हॉलीवुड में। स्काई फॉल में ऐसा क्या दिखाया था जो जेम्स बॉन्ड हुए थे इससे फेमस। द एवेंजर्स को कितना प्यार मिला था लोगों से। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में बनी क्रिश जैसी मूवी के बारे में, लेकिन फर्क इतना है कि ये सब हॉलीवुड में बनी फिल्में हैं जिन्होंने क्रिश जैसी सुपर पावर के साथ एक्शन सीन को भी फिल्माया है। हॉलीवुड एक्शन किंग अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की ये फिल्म 1984 में आई थी। अमेरिकी साइंस फिक्शन पर आधारित ये फिल्म एक्शन प्रेमियों के लिए बड़ा तोहफा साबित हुई। इस फिल्म ने उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता बटोरी और पूरे दो हफ्ते अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर छाई रही। ये फिल्म जेम्स और अर्नोल्ड दोनों के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। जेम्स कैमरॉन द्वारा निर्देशित इस फिल्म की सफलता के बाद फिल्म की कई सीरीज भी आती रही जिनको दर्शकों का प्यार मिलता रहा। फिल्म की साइंटिफिक एक्शन दृश्य हॉलीवुड की जान बन गए। बांध देता है द डाई हार्ट का एक्शन। 1988 की अमेरिकन एक्शन फिल्म 1979 में रोड्रिक थॉर्प द्वारा लिखी गई
नोबल नथिंग लास्ट फॉरएवर पर आधारित थी, जिसमें न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का एक पूर्व ऑफिसर बहुत ही अलग अंदाज में क्रिमिनल ग्रुप से भिड़ जाता है। एक पुलिस अधिकारी और 12 कुख्यात आतंकवादियों की मुठभेड़ वास्तव में देखने लायक थी। इस फिल्म में एक्शन के साथ रोमांच का बेहतर तालमेल देखने को मिलता है। मुख्य भूमिका ब्रूस विल्स ने निभाई थी। हर कोई बन जाएगा द एवेंजर्स का दीवाना। एक्शन और सुपर पावर की बात हो और एवेंजर्स की बात ना हो, ऐसा हो सकता है? 2012 में आई ये अमेरिकन एक्शन फिल्म युवाओं का दिल जीत गई। मार्वल कॉमिक्स के सुपर हीरो कैरेक्टर को एक्शन से लबरेज कर पर्दे पर उतारा गया, जिसे रॉबर्ट डाउनी ने अभिनीत किया। इस फिल्म के भव्य सेट और चकाचौंध के बीच सुपर हीरो का एक्शन सोने पर सुहागा प्रतीत हुआ। बड़ी बड़ी इमारतों और खतरनाक और अनोखी विलन से सुपर हीरो की भिड़ंत बॉक्स ऑफिस पर भी सुपर हिट साबित हुई। फिर आई द एक्सपेंडेबल, जो हॉलीवुड के एक्शन बादशाह स्लाइवेस्टर सैलोन न सिर्फ फिल्म के हीरो रहे, बल्कि उन्होंने ही इस फिल्म को लिखा और निर्देशित भी किया। 2010 में आई ये फिल्म एक ग्रुप पर आधारित थी जो एक मिशन पर निकलता है। फिल्म के एक्शन सीन्स भी अच्छे थे। अगर आपको जेम्स बॉन्ड के एक्शन सीन्स देखने हैं तो स्काईफॉल देखें, जिसमें स्काईफॉल 23rd जेम्स बॉन्ड की फिल्म थी, जिसमें डेनियल क्रेग को तीसरी बार जेम्स बॉन्ड बनने का मौका मिला। जेम्स बॉन्ड का तो नाम ही एक एक्शन का पर्याय है, इसलिए इस फिल्म के बारे में आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। फिल्म में भरपूर एक्शन था। फिल्म में M16 अटैक पर बॉन्ड इन्वेस्टिगेटिंग को पर्दे पर उतारा गया। ऐसा ही कुछ क्रिश 4 में भी दिखने वाला है। सुपर एक्शन, बेहतरीन कलाकारी और उम्दा VFX और भी न जाने क्या क्या। तो आप भी क्रिश 4 में क्या क्या होने वाला है जानने के लिए उत्सुक हैं? तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आप हमें बताएं, है ना ये मजेदार? आप लोगों ने इनमें से कौन कौन सी मूवी देखी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्यों छीन गया जादू से उसका सबसे बड़ा टैग? क्या वाकई क्रिश 4 से वापसी करेगा इंडिया का सबसे चहीता एलियन? क्रिश 4 के लिए लोगों की एक्साइटमेंट संभाले नहीं संभल रही। इसके कई कारण हैं। सुपर डैशिंग ऋतिक का इसमें होना, क्रिश 3 से फिल्म का स्टार अलग लेवल पर पहुंच जाना, टाइम ट्रैवल की खबरें, फिल्म में सुपर वुमन की होने की खबरें और सबसे स्पेशल फिल्म में हम सबके चहेते जादू की वापसी, जो की एक बार फिर धूप खा कर विलेंस को बैंड बजाने के लिए तैयार है। इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही हर तरफ जादू के चर्चे होने शुरू हो गए हैं। इसमें कई जगह पर हमने जादू को हिंदी सिनेमा का फर्स्ट एलियन कहा जाता सुना है। तो क्या वाकई जादू हिंदी सिनेमा का फर्स्ट एलियन है या फिर सिर्फ फर्स्ट पॉपुलर हिंदी एलियन है? अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जादू हिंदी सिनेमा का पहला एलियन नहीं है। इस ब्लू फेस्ड येलो कोट वाले क्यूटी से पहले भी हिंदी सिनेमा में एलियंस देखे जा चुके हैं, वो भी इस फिल्म की रिलीज के 34 साल पहले, साल 1967 में, जब एनियन सारी की हिंदी साइंस फिक्शन फिल्म वहाँ के लोग रिलीज हुई थी। हालांकि ये एलियंस इतने फ्रेंडली नहीं थे और थोड़ी लालची भी थे, जिन्हें धूप की जगह अमीरों के हीरो में दिलचस्पी थी। और ये तो इतने बिजनेस माइंडेड थे कि अपनी दिलचस्पी को पाने के लिए अर्थ के विलेन से ही हाथ मिला बैठे थे। वो बात अलग है कि इंसानों की 5 उंगलियों के सामने इन्हें अपनी 3 उंगलियों से ही काम चलाना पड़ा, लेकिन पार्टनरशिप काफी अच्छी तैयार हुई थी। कुछ समझ आया? नहीं ना। दरअसल ये फिल्म एक साइंस फिक्शन थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन ड्रामा थी, जिसमें मार्स यानी वहाँ के लोगों ने अर्थ के विलन्स के साथ मिलकर इस पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने की प्लानिंग कर ली थी। फिल्म में अमीरों के हीरे और कुछ साइंटिस्ट के गायब होने की खबरें दिखाई जाती है। इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी राकेश, जिनका रोल प्रदीप कुमार ने निभाया है, और ब्लू बर्ड बने जॉनी वॉकर को मिलती है, जो हेल्प के लिए प्रोफेसर चक्रवर्ती के पास जाते हैं, जिनका रोल खुद अंसारी निभा रहे हैं। चक्रवर्ती ने वहाँ के लोगों को ट्रैक करने की एक मशीन बनाई होती है और इसके बाद शुरू होती है एक मिस्ट्री रिजॉल्विंग चेज, जिसमें कई फन और थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर फिल्म इतनी ही दिलचस्प थी तो अनफॉरगेटेबल क्यों नहीं बन पाई? इसका कारण है फिल्म का लो बजट और डायरेक्टर की वो गुस्ताखी, जिसके कारण उन्होंने फिल्म में हीरो को विलेन को हराते हुए नहीं दिखाया। वो बात अलग है कि आज भी इस फिल्म की कैरेक्टर्स को कोई मिल गया कैरेक्टर से ज्यादा डायनेमिक और रियल माना जाता है। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने ये फिल्म देखी है, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी है। हमें ये बात कैसे पता चलती है कि ऋतिक रोशन वाकई में एक बेहद ही नेक इंसान है?
और कैसे एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने कोरोना के समय में की थी लोगों की सहायता। आइए इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, पॉलीकास्ट स्टूडियोज में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी आज की होस्ट मीनाक्षी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के हैंडसम हंग की सबसे नेक साइड के बारे में। तो दोस्तों, दरअसल बात ये है कि ऋतिक रोशन कोरोना के समय में अपनी पावर और फेम का काफी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते नजर आए। अगर बात करें कोरोना के समय की, तो दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि बहुत सी सेलिब्रिटीज ने अपनी पावर का काफी अच्छा इस्तेमाल किया और हर किसी ने अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। और साथ ही साथ में बहुत सी सेलिब्रिटी जैसे कि सोनू सूद तो अपनी जिंदगी से चार कदम आगे बढ़कर लग गए पूरे जोरों शोरों से ईमानदारी और नेक दिली के साथ लोगों की सहायता करने की। और इसी रेस में नाम आता है ऋतिक रोशन का भी। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने इस समय में कैसे जरूरतमंदों की मदद की और कैसे उन्होंने खुद को एक भला इंसान साबित कर दिखाया एक बार फिर। तो आइए, तो दोस्तों बात दरअसल ये है कि ऋतिक रोशन ने एक फाउंडेशन आई लव मुंबई यानी कि आई लव मुंबई फाउंडेशन के साथ मिलकर बहुत से अच्छे काम किए, जहाँ पर कोरोना के कारण सबसे ज्यादा जरूरी था फ्रंटलाइन वर्कर्स का सेफ रहना और उनके लिए मास्क और साथ ही साथ में सैनिटाइजर मेन प्रायोरिटी था। तो वहीं पर ऋतिक रोशन ने आई लव मुंबई फाउंडेशन के साथ मिलकर फ्रंटलाइन वर्कर्स तक ये बात पहुंचाई कि उनको अपनी सेफ्टी का कितना ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ में उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर भी उन लोगों तक प्रोवाइड करवाए। अगर बात करें ऋतिक रोशन ने लोगों को जागरूक करने की, तो उन्होंने कई बार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू कई वीडियो को डालते हुए बताया कि कैसे कोरोना के समय में हम सब लोगों को एकजुट होकर रहना है और कैसे इस कोरोना को हराना। बात करें सोशल मीडिया की, तो आई लव मुंबई फाउंडेशन के राहुल कमल ने उनकी वीडियो को रीशेयर करते हुए लिखा कि थैंक यू सो मच ऋतिक रोशन, हम आपके एक काम सच में सहारना देते हैं और साथ ही साथ में आपके कंफर्टेबल मास्क के लिए भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मुझे यकीन है कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के ये मास्क काफ़ी मदद कर रहे होंगे और उनको सेफ रखने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। अब देखा जाए तो इस चीज़ से यह बात तो साबित होती ही है कि वह एक बहुत भले और नेक दिल इंसान है। साथ ही साथ में यह भी दिखता है कि कैसे उन्होंने अपने पावर और फेम का सही यूज़ किया है। अगर बात करें उनकी अपकमिंग मूवी क्रिश 4 के बारे में, तो दोस्तों जैसे क्रिश 4 में वो क्रिश के किरदार में लोगों को बचाते नजर आए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए और साथ ही साथ में ज़रूरतमंदों की मदद करते नजर आए। कभी किसी को पानी में डूबने से बचाते थे, तो कभी किसी को आकाश में गिरने से, कभी किसी को बिल्डिंग के ऊपर बचाते नजर आए, तो कभी किसी भारी चीज के नीचे दबे लोगों की मदद करते नजर आए। और ऐसी ही मदद वो असल जिंदगी में भी कर रहे हैं। इससे यह तो साफ है कि क्रिश जैसे मूवी में नजर आते हैं, वैसे ही असल जिंदगी में भी हैं और वाकई वो एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। तो दोस्तों, अब अगर फिल्म की बात आ ही गई है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार फिल्म में एक खास बात यह होने वाली है कि इस बार ऋतिक रोशन डबल नहीं बल्कि ट्रिपल रोल में नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ फिल्म में हीरो भी वही होंगे, वहीं इस बार फिल्म में नेगेटिव रोल में भी नजर वही आने वाले हैं। और ये उनके करियर में पहली बार है कि वह किसी फिल्म में नेगेटिव रोल करते नजर आएंगे, इसलिए उनको देखना काफी एक्साइटिंग होने वाला है उनके फैंस और सभी दर्शकों के। अगर बात करें इस फिल्म के बारे में, तो इस बार भी फिल्म में वह बाप और बेटे दोनों के रूप में नजर आएंगे, जो कि एक पॉजिटिव रोल होगा। और वहीं एक तरफ इस बार वो नेगेटिव रोल में भी नजर आने वाले, यानी कि इस मूवी में विलन भी वही है और वही है हीरो। अब देखना होगा कि इस बार उनकी मेहनत चार गुना होने वाली है और इस बार अपनी इतनी भरपूर मेहनत से वो अपने दर्शकों का कितना दिल जीत पाते हैं। दोस्तों, आपका ऋतिक रोशन और उनके द्वारा किए गए इस अच्छे काम के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और करें वीडियो को लाइक और शेयर और करें बॉलीवुड स्टूडियोज के चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप जुड़े रहें फिल्मी जगत से। तो क्रिश 4 क्लिफ हैंगर कंसेप्ट को किस तरह इफेक्टिवली यूज कर सकती है? क्या क्रिश 4 में ऋतिक रोशन का ट्रिपल रोल होने जा रहा है? दोस्तों, पिछले डिकेड्स में हमने फ्रेंचाइज फॉर्मूला की सर्च देखी है। फिल्म मेकर्स अपनी स्टोरीज को एटलीस्ट दो पार्ट्स में प्लान कर रहे हैं, जिसे एक तो लिमिटेड टाइम में स्टोरी को स्टार्ट और कंक्लूड करने का प्रेशर नहीं होता, और ऊपर से क्लिफ हैंगर कॉन्सेप्ट का अगर सही से इस्तेमाल कर लिया जाए तो डिलेड सस्पेंस स्टोरी के अराउंड हाइप को क्रिएट करने में ग्रेटली हेल्प करता है।
और इससे अल्टीमेटली मेकर्स को ही फायदा होता है। इसी का प्राइम एग्जाम्पल रही थी बाहुबली फ्रेंचाइज। दोस्तों KGF और अब इसके बाद तो हर बड़ी फिल्म अपनी स्टोरी को शुरू से ही फ्रेंचाइज में तब्दील करने पर एम करती हुई दिख रही है, जैसे गणपत चैप्टर 1 या फिर सुपर हीरो फिल्म क्रिश 4 और 5। तो कैसे क्रिश फ्रेंचाइज भी इस क्लिफ हैंगर कॉन्सेप्ट को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। इमेजिन अगर बाहुबली सीरीज में सिंपल वे में पहले बाहुबली की मौत दिखा दी जाती और सेकेंड पार्ट में उसके बेटे का प्रतिघात, तो क्या इस फिल्म को इतनी हाइप मिल पाती जितनी सस्पेंस डिले करके मिली? शायद नहीं। और तभी इसे एक बर्निंग क्वेश्चन, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा तक बड़ी क्लेवरली डिले किया SS राजामौली ने, जिससे सेकेंड पार्ट के लिए लोगों में हाइप और सस्पेंस का नतीजा इसकी मैसिव सक्सेस में मिला। शायद इसी कॉन्सेप्ट को बॉलीवुड भी समझ चुका। दोस्तों क्रिश 4 और 5 के पास इतनी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुके हैं, जिसको लेके मेकर्स बड़े इंटरेस्टिंग वे में क्रूशियल डिटेल्स सेकेंड पार्ट के लिए डिले कर सकते हैं। इससे पहले जान लेते हैं ब्रीफ प्लॉट को। तो क्रिश 4 और 5 में ब्रॉडली होंगे काफी सारे विलन्स, जिनसे लड़ने के लिए क्रिश करेंगे टाइम ट्रैवल और इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल और वापसी करेंगे जादू और रोहित मेहरा की। बस दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद ये तीन की तिगड़ी विलन्स की बैंड बजाएगी एज यूजुअल। अब दोस्तों इन्हीं कॉन्सेप्ट में क्लिफ हैंगर एस्पेक्ट की बात करें, तो फोर्थ पार्ट में डायरेक्टली डेडली विलन्स का आतंक, उनसे लड़ने में क्रिश असक्षम, टाइम ट्रैवल करने का जुगाड़, जादू और रोहित मेहरा को वापस लाने का प्लान और टाइम ट्रैवल में पॉसिबली ट्रैप होने की स्टोरी तक दिखाई जा सकती है। इसके बाद सेकंड चैप्टर के लिए उन विलन्स की ओरिजिन, जादू और रोहित मेहरा की वापसी का इम्पैक्ट और फाइनली क्रिश वर्सेज विलन्स का डेडली फेस ऑफ काफी इंटरेस्टिंगली कवर किया जा सकता है। अब दोस्तों मे बी एंडिंग से स्टार्ट करके मेकर्स इसे और भी सस्पेंसफुल बना सकते हैं। बात करें फिल्म में ऋतिक के रोल की, तो कयास लग रहे हैं कि इनका फिल्म में ट्रिपल रोल होने वाला है। एक तो क्रिश का रोल, एक रोहित मेहरा का रोल और इसके अलावा बताया जा रहा है कियारा आडवाणी के साथ इनका रोल अलग से होगा, जो कि क्रिश के रोल से सेपरेट होने जा रहा है। अब दोस्तों इस हिसाब से देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कियारा और ऋतिक का ये न्यू इक्वेशन कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा। वीडियो में बस इतना ही। यार अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। हमारे आज के राइटर हैं पंकज। आ रही है ऋतिक रोशन की क्रिश 4। प्रियंका चोपड़ा नहीं तो उनसे पहले कौन सी एक्ट्रेस को इस फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा था? क्या होने वाली है क्रिश 4 की खास बातें और क्रिश 4 में कौन सी एक्ट्रेस का नाम जुड़ चुका है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों भारत का पहला सुपर हीरो क्रिश एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौटने की तैयारी में है। क्रिश फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म का इसके प्रशंसक भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें क्रिश 3 के रिलीज होने के बाद से ही इस खबर का इंतजार है कि इसके निर्माता कब इसके अगले भाग की घोषणा करेंगे। प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश सुपर हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आई थी। फिल्म में ऋतिक रोशन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ रोमांस करते नजर आए थे। दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिश में पहले फीमेल लीड की पसंद प्रियंका नहीं थी बल्कि कोई एक्ट्रेस थी। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और एक्ट्रेस थी, मैं हूं ना वाली अमृता राव। अमृता राव ने खुद इस बारे में खुलासा किया, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ये फिल्म क्यों छोड़ी। दरअसल उन्होंने कहा कि ऋतिक और उनकी केमिस्ट्री खास नहीं जम रही थी। उन्होंने इसके लिए फोटोशूट तक कराया था, लेकिन अमृता ने कहा कि वो ऋतिक से काफी छोटी नजर आ रही थी। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि जिंदगी में वही मिलता है जो आपकी किस्मत में लिखा रहता है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का नाम इस फिल्म से जुड़ चुका है। वो अपनी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती हैं। Z5 ओरिजिनल में रोम कॉम वर्जन भानुप्रिया उनकी आने वाली है, जहाँ उन्होंने प्यारी शर्मीली भानुप्रिया का मुख्य भूमिका निभाई थी। वहीं उर्वशी रौतेला को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर फैंस झूम उठेंगे, क्योंकि क्रिश 4 में बहुत ही अहम भूमिका उनकी होने वाली है। इस लिस्ट में पहले कियारा का नाम भी आ रहा था, कृति का नाम भी आ रहा था, लेकिन उर्वशी ने इन सबको पीछे छोड़ दिया। साथ ही इसमें
दीपिका पादुकोण भी होने वाली है। उर्वशी रौतेला को निर्माताओं द्वारा एक भाग के लिए संपर्क भी किया गया है, क्योंकि उन्हें फिल्म वर्जन भानुप्रिया और सारा जमाना हसीनों का दीवाना से बहुत पसंद किया गया है। और उर्वशी रौतेला की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो ब्लैक रोज और द मर्चेंट ऑफ वेनिस में वो नजर आ सकती हैं। बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस, और अगर ऋतिक के अपोजिट उन्हें साइन किया जाता है दोनों की केमिस्ट्री भी खूब जमेगी। तो दोस्तों, आपको क्रिश 4 का कितना वेट हो रहा है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब। आज हम एक ऐसी मूवी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने इंडियन सिनेमा में सुपर हीरोज को हरी झंडी दी। आज के टाइम में अगर आप किसी बच्चे से सवाल करोगे कि आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है, तो वो हॉलीवुड के फेमस सुपर हीरोज आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, बैटमैन और एवेंजर्स को ही जुबान पर लेकर आएंगे। मगर जब आप कहोगे कि अगर इंडिया से नाम देना है तो सबकी जुबान पे एक ही नाम आएगा और वो है क्रिश। तो सही समझे आप। आज हम बात करेंगे राकेश रोशन द्वारा डायरेक्टेड फेमस सुपर हीरो सीरीज क्रिश की, जिसमें अब तक टोटल 3 फिल्म्स बन चुकी हैं, जो कि है कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3। जहां फिल्म कोई मिल गया में रोहित मेहरा को एक एलियन द्वारा ना जाने कितनी ही शक्तियां मिलती हैं, वहीं क्रिश मूवी में उनके बेटे कृष्णा को वरदान में वो शक्तियां प्राप्त होती हैं और वो उन्हीं शक्तियों के इस्तेमाल से सबकी भलाई करता है। तो वहीं क्रिश 3 में इस मूवी के लेवल को बिल्कुल ही एक नई ऊंचाई दे दी गई है, जहां पे हमारे सुपर हीरो के खिलाफ थे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपर विलन, और उसमें बहुत ही ज्यादा कमाल के एक्शन सीन्स थे जो कि अब तक बॉलीवुड में नहीं देखने को मिले थे। डायरेक्टर राकेश रोशन के दिमाग में क्रिश 4 का कंसेप्ट बिल्कुल तैयार है और वो इस मूवी को बनाने के लिए भी काफी एक्साइटेड है। और रही बात हमारे हीरो क्रिश की, तो हमने देखा ही है कि समय के साथ साथ क्रिश की शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ती हैं। जहां क्रिश मूवी में वो ऊंची छलांग लगा सकते थे और काफी तेज रफ्तार थी उनमें, तो वहीं क्रिश 3 में उनमें बे इंतहा ताकत और उड़ने की शक्तियां भी आ गई थी। तो ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्रिश 4 में हमारे हीरो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और उसके पास कैसी शक्तियां आएंगी, और कहीं ना कहीं शायद उनमें लेजर पावर भी आ सकता है, क्योंकि क्रिश 3 में उन्हें सूरज की रोशनी से काफी ताकत मिली थी। अब क्रिश के विलन की बात करें तो सुपर हीरो मूवी का विलन भी सुपर विलन ही होगा। अब ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा कि कैसे राकेश रोशन क्रिश के सामने एक ऐसी ताकतवर विलन लाएंगे जो कि क्रिश को कड़ी टक्कर दे सके। इसके साथ अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तब तक के लिए आपके अकॉर्डिंग क्रिश के पास कौन सी न्यू पावर्स आ सकती हैं, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा, सुनने का कुछ अनसुना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। रोशन ने अपनी फिल्म वॉर के बाद किसी बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट क्यों नहीं की है? क्या क्रिश 4 में ऋतिक रोशन ट्रिपल रोल निभाते हुए नजर आ सकते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे पॉपुलर सुपर हीरो फ्रेंचाइज के बारे में। जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। आज हम बात करेंगे क्रिश फ्रेंचाइज की मूवीज के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आने वाले दिनों में क्रिश 4 पर काम जल्द ही शुरू होने वाला है, तो चलिए आज इसी पर कुछ खास चर्चा करते हैं। क्रिश फ्रेंचाइज एक सुपर हीरो सीरीज थी जिसके पहले पार्ट को रिलीज किया गया था 2003 में, और इस फिल्म का नाम था कोई मिल गया। वेल दोस्तों, इस पिक्चर के स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे राकेश रोशन, और इस फिल्म में ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा ने अहम किरदार निभाया था। कोई मिल गया सुपर हिट फिल्म बनी और इस पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर भी धाकड़ कमाई की थी। दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन का ये मानना है कि क्रिश 4 उससे भी बड़ी हिट मूवी साबित होने वाली है, इसी वजह से क्रिश 4 के बजट को दुगुना कर दिया गया है।
क्रिश फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म में हमें कुछ पुराने और कुछ नए किरदार नजर आ सकते हैं। साथ ही फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर रॉबिन भट्ट ने कहा कि इस पिक्चर में ऋतिक रोशन ट्रिपल रोल निभाते हुए दिखेंगे। साथ ही फिल्म में रोहित और जादू की एक बार फिर से वापसी होने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्रिश 3 में रोहित की मौत हो गई थी, लेकिन क्रिश 4 में एक बार फिर से उनकी वापसी को दिखाया जाएगा और इस बार रोहित का कैरेक्टर पहले के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट होने वाला है। हालांकि अभी हमें इतना नहीं पता है कि रोहित की वापसी आखिर होगी कैसे। क्या ऋतिक रोशन स्पेस तक जाएंगे अपने पिता को वापस लाने के लिए? वेल दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर रोहित की वापसी धरती पर होती है तो उनके साथ जादू की भी वापसी होगी। कैसी होगी फिल्म की ओवरऑल स्टोरी लाइन, ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। क्रिश 4 हाई ग्राफिक्स के साथ रिलीज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी दी गई है शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पिक्चर में सुपर हीरो के साथ सुपर हीरोइन भी नजर आ सकती है। एक तरफ जहां मेन लीड का किरदार निभा रहे हैं ऋतिक रोशन, तो वहीं फीमेल लीड में आपको कियारा आडवाणी इस पिक्चर में दिख सकती है। जो लोग भी प्रियंका चोपड़ा के फैन हैं, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा भी आपको एक अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। दूसरी तरफ ऋतिक रोशन की बात करें तो क्रिश 4 में ऋतिक रोशन 3 किरदार निभा सकते हैं। जी हाँ, सुपर हीरो और सुपर विलन के तौर पर ऋतिक रोशन नजर आएंगे। ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अपनी ही फिल्म में एक तरफ ऋतिक रोशन सुपर विलेन और सुपर हीरो के तौर पर नजर आएंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पिक्चर में सुपर विलेन का किरदार जो होने वाला है वो काफी स्ट्रांग होगा, और इसीलिए राकेश रोशन ने यूएस से कुछ मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया है। क्रिश 4 यूं तो 2021 में ही रिलीज होने वाली थी, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग ऑलरेडी बहुत पहले खत्म की जा चुकी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते ऐसा नहीं हो पाया। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में जल्द ही क्रिश 4 की शूटिंग शुरू हो सकती है और इस फिल्म को 2022 में रिलीज करने की तैयारी है। शुरुआत के दिनों में ये र्यूमर्स भी काफी चल रहा था कि क्रिश 4 का डायरेक्शन राकेश रोशन नहीं बल्कि संजय गुप्ता करने वाले हैं। वैसे राकेश रोशन ने इन तमाम खबरों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि क्रिश 4 की स्क्रिप्ट राइटिंग उन दोनों ने मिलकर की है, लेकिन इस फिल्म का डायरेक्शन वो अकेले करने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि क्रिश 4 में हमें कुछ जबरदस्त एक्शन सीन्स और थ्रिल्स देखने को मिल सकते हैं, जो अभी तक बॉलीवुड की किसी फिल्म में हमें देखने को नहीं मिला है। दोस्तों आप क्रिश 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियो को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक। काइनेटिक्स के अलावा बाकी की पावर्स काल को कैसे मिली? आखिर क्यों क्रिश ने म्यूटेंट्स को आसानी से हराया लेकिन वो काल से हार गए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के ऑफिशियल सुपर हीरो क्रिश के बारे में। डायरेक्टर राकेश रोशन ने सिंगल हैंडेडली अपनी यूनिट के साथ मिलकर इंडिया की सबसे पहली और सबसे शानदार सुपर हीरो फ्रेंचाइजी क्रिश तैयार की। राकेश रोशन की काफी ज्यादा तारीफ करनी चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि बिल्कुल बॉलीवुड फ्रेंचाइजी की तरह राकेश ने क्रिश फ्रेंचाइजी में भी बहुत ही शानदार डिटेलिंग की है। मूवी का एक बहुत ही बड़ा ग्लिच कही जाने वाली थ्योरी, जिस पे फैंस ने काफी सवाल उठाए थे, जो कि ये थी कि काल को अपनी टेलीकाइनेटिक्स की पावर रोहित मेहरा से ही मिली है, और वहीं क्रिश को भी अपनी सभी शक्तियां रोहित मेहरा से ही मिली है, और इसके बावजूद भी क्रिश के पास काल जैसी टेलीकाइनेटिक्स पावर्स नहीं है। कोई मिल गया मूवी में डायरेक्टर राकेश रोशन ने बखूबी दिखाया है कि जादू के पास टेलीकाइनेटिक्स पावर भी थी,
और उसने अपनी सभी शक्तियों के साथ वो शक्ति भी रोहित मेहरा को ट्रांसफर की थी। तो वही रोहित से ये शक्ति पास ऑन हुई क्रिश और काल के पास। लेकिन टेलीकाइनेटिक सिर्फ काल यूज कर सकता था, और जब काल रोहित की बोन मैरो से वो ठीक हुआ उसके बाद तो वो काल के पास और भी ज्यादा पावर्स आ गई, इवन कि वो उड़ भी सकता था। वहीं दूसरी तरफ क्रिश के पास सिर्फ स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पीड थी, जिनसे वो काल से टक्कर बिल्कुल भी नहीं ले पाया था। एक हेड ऑन बैटल में जब क्रिश और काल पहली बार एक दूसरे से लड़े थे, तब काल ने क्रिश को बहुत ही आसानी से ओवरशैडो कर दिया था और क्रिश काफी आसानी से काल से हार गए थे। वहीं अगर काल की म्यूटेंट्स की बात करें तो उन लोगों को क्रिश ने काफी आसानी से हरा दिया था। यहाँ तक कि जब सबसे पहली बार क्रिश ने उनका सामना हुआ था, तब क्रिश ने तीन तीन म्यूटेंट्स को एक साथ ही हरा दिया था, लेकिन काल को नहीं हरा पाया क्योंकि वो सभी म्यूटेंट्स काल के डीएनए के साथ मिलकर तैयार किए गए थे और उनमें काल की शक्ति का लगभग 1/5 हिस्सा ही था। लेकिन पूरे काल को भी मोर पावरफुल से लड़ने में क्रिश को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आपके इस मूवी के बारे में और मूवी के कंसेप्ट के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और जुड़ जाएं हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। आज के राइटर हैं अभिषेक मिकी। मूवी के थ्रू कैसे देने वाले हैं लेजेंडरी सत्यजीत राय को राकेश रोशन श्रद्धांजलि, और ये फैसला एक फायदे का फैसला होने वाला है या फिर इसकी वजह से पढ़ सकते हैं फिल्म के मेकर्स काफी उलझन में। तो दोस्तों ये बात अनडाउटेडली क्रिश फॉर इंडिया की फिलहाल मोस्ट अवेटेड सुपर हीरो मूवी होने वाली है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई भी सुपर हीरो मूवी और आती है तो दोस्तों उसका कैरेक्टर हम लोगों के लिए नया होगा। लेकिन क्रिश को हम पिछले 3 बार मूवीज में देख चुके हैं और हर बार हम लोगों को उसका कैरेक्टर बहुत पसंद आया है। अब अगर बात करें क्रिश के बारे में तो इस मूवी में एक बार फिर से क्रिश आ चुके हैं एक नए मिशन को लेकर, और साथ ही साथ में खतरा इस बार इस बात का है कि इस बार मिशन में साथ देने के लिए उनके साइंटिस्ट पापा रोहित अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों बात दरअसल ये है कि क्रिश हर बार की तरह एक बहुत ही बड़ा मिशन लेके आ गए हैं। इस बार मेकर्स ने क्रिश को सिर्फ समुद्र पार करने के लिए नहीं बल्कि गैलेक्सी और टाइम पार करने की पावर्स के साथ बनाया हुआ है। लेकिन खतरा यहाँ है कि क्रिश के पास उन पावर्स को यूज करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, और जब वो उस टेक्नोलॉजी की तलाश में निकलते हैं ताकि वो अपना मिशन पूरा कर पाए तो उन्हें पता चलता है कि अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो क्रिश पहुंच जाते हैं समुद्रों को पार करते हुए अमेरिका, और अमेरिका में जाके अपने पापा के कनेक्शन से बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। वहां जाकर जब क्रिश मामले की सीरियसनेस को समझ रहे होते हैं तो उसी दौरान उनको वहां से बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। फिर बात क्या था, क्रिश ठान लेते हैं कि अपने ऊपर काम करना वो खुद शुरू कर देंगे। तो फिर क्या, क्रिश पहुंच जाते हैं उस टेक्नोलॉजी की रिसर्च के ऊपर। अब जब वो उसकी रिसर्च करते होते हैं तो उसी दौरान उनको पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी असल में अमेरिका की है ही नहीं बल्कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया के ही एक महान साइंटिस्ट की है, जिनके पास पैसे की कमी होने के कारण उन्हें अमेरिका के आगे फंडिंग के लिए हाथ फैलाना पड़ा था। और फिर क्या, अमेरिका ने उनका आइडिया इनिशियली ठुकरा दिया, लेकिन बाद में उन्हीं के आइडिया पर वर्क करके मशीनरी तैयार करने लगे। लेकिन चोरी चोरी होती है और रियलिटी रियलिटी, और इसीलिए वो मशीनरी बनने के बाद भी उसकी एक भी टेस्टिंग पास नहीं हो पाती। जी हाँ दोस्तों, तो फिर क्या था, क्रिश पहुंच जाते हैं खुद उस महान साइंटिस्ट के पास और उससे बात करते हैं इस मशीनरी के बारे में। अब चूंकि इसके बारे में बात करते टाइम उनको पैसों की जरूरत होती है तो क्रिश एक फंड रेजर स्टार्ट करते हैं, और देश और दुनिया भर से लोग क्योंकि उनको जानते हैं तो इसलिए वो उनकी पैसे जोड़ने में मदद करते हैं, और उसकी वजह से यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और टेक्नोलॉजी क्रिएट हो जाती है और गुमनाम टैलेंटेड साइंटिस्ट को उसका क्रेडिट मिल जाता है। अब अगर वही बात करें फिल्म के बारे में तो दोस्तों सत्यजीत राय लेजेंडरी को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से श्रद्धांजलि देने का ठान लिया है राकेश रोशन ने। पहले तो उनकी 100th एनिवर्सरी के अवसर पर ही वह मूवी रिलीज करने वाले हैं, और उसके बाद खास बात ये होने वाली है कि फिल्म में काम कर रहे साइंटिस्ट का लुक सत्यजीत राय से मेल खाता होगा। साथ ही साथ में इतना ही नहीं, जो फिल्म में एलियंस दिखने वाले हैं शायद उनका लुक भी सत्यजीत राय के एलियंस से ही इंस्पायर होकर बनाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि सत्यजीत राय ने हिंदी सिनेमा को कितना कुछ दिया है और उन्होंने भारत में कितना बड़ा रेवोल्यूशन लाया है,
और इसीलिए राकेश रोशन उनको देने वाले हैं श्रद्धांजलि, जिसकी वजह से सत्यजीत राय के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि ये चीज काफी बढ़िया तरीके से मार्केटिंग और प्रमोशन में यूज की जा सके। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक। सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम, सुपर हिट मूवी के लिए क्या बदलाव करेंगे राकेश रोशन? क्या इस बार ट्रिपल रोल में नजर आएंगे ऋतिक रोशन? आज हम एक ऐसी मूवी की बात करेंगे जिसकी फ्रेंचाइजी ने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट सीक्वेंसेस दिए हैं। ये पहली बार ऐसे किसी मूवी में हुआ होगा जिसमें किसी एक्टर की नहीं बल्कि एक दूसरे ग्रह से आए एलियन की वजह से मूवी ने चारों तरफ तहलका मचा के रख दिया। आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं इंडियन सुपर हीरो फिल्म क्रिश फ्रेंचाइजी के बारे में। क्रिश फ्रेंचाइजी का फर्स्ट सीक्वल कोई मिल गया था जिसमें दूसरे ग्रह से आया एलियन जिसका नाम जादू रखा गया था उसे दर्शकों और खास तौर से बच्चों का खूब प्यार मिला। इस मूवी के हिट होने की एक वजह ये भी थी कि इससे पहले बॉलीवुड में ऐसा कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं लाया गया था। और अगर बात करें हॉलीवुड की तो वहाँ पे ऐसी एलियन कॉन्सेप्ट की साइंस फिक्शन मूवीज तो बनती ही रहती है, मगर राकेश रोशन ने अपनी बॉलीवुड फिल्म में एलियन को ह्यूमन इमोशंस के साथ कनेक्ट करके दिखाया और दर्शकों का दिल जीत लिया। ये एक काफी बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो कि बहुत सक्सेसफुल भी रहा। जादू अपने घर जाने से पहले अपनी शक्तियों को रोहित मेहरा में ट्रांसफर कर देता है जिसके बाद ये सुपर पावर्स उसके बेटे कृष्णा में भी आ जाती है और फिर कृष्णा से उसके बेटे में। अभी तक इन मूवीज में क्रिश का डबल रोल रहा है। पहली बार इंडियन सुपर हीरो की कोई कहानी बॉलीवुड में लाई गई थी। मूवी के सभी सीक्वल काफी हिट रहे हैं मगर बावजूद इसके इस मूवी में क्रिश के कॉस्ट्यूम को लेकर हमेशा से ही मजाक बनाया जाता है। हर बार क्रिटिक्स का कहना है कि एवेंजर्स के सुपर हीरो जैसे कोई इनोवेटिव कॉस्ट्यूम डिजाइन कर लो। फिलहाल क्रिश 4 में भी ऋतिक के कॉस्ट्यूम को लेकर कोई डिस्कशन अभी तक तो नहीं चल रहा। क्रिश के सभी सीक्वल्स में VFX, सिनेमाटोग्राफी, एंटरटेनमेंट वैल्यू, विजुअल इफेक्ट्स को काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिला है, मगर बावजूद इसके अगर आप ध्यान दें मूवी के तीनों सीक्वल पर तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि क्रिश मूवी शुरू हुई थी कोई मिल गया कहानी से जिसका मोटिव और मेन प्लॉट एलियंस के आसपास था। क्रिश 2 और क्रिश 3 में कहीं ना कहीं देखा गया कि मूवी की स्टोरी ओरिजिनल प्लॉट से भटक गई। ऑडियंस और क्रिश फैंस फिल्म के हर सीक्वल में जादू को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि क्रिश फ्रेंचाइजी में जादू वापस आ जाए और ये फ्रेंचाइजी अपने ओरिजिनल प्लॉट पर आ जाए। मगर अब मेन बात ये है कि जादू आएगा कैसे? जादू को सिर्फ रोहित मेहरा ही वापस बुला सकते थे। रोहित के पिता ने वो कंप्यूटर डिजाइन किया था जिससे उनका एलियन से कनेक्शन हुआ करता था और उनके कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ रोहित मेहरा चला सकते थे। सूत्रों के मुताबिक क्रिश 4 में टाइम ट्रेवल की स्टोरी दिखाई जाएगी। कृष्णा समय में वापस पीछे जाकर अपने पापा रोहित मेहरा को वापस लाएगा और उनके जरिए जादू को भी वापस बुलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि समय में वापस पीछे जाकर जादू को बुलाने की आखिर जरूरत क्या पड़ेगी? चाहते तो सब हैं कि जादू वापस आ जाए मगर अचानक से जादू को फिल्म में देखना थोड़ा अटपटा तो हो ही सकता है। तो आखिर क्यों और कौन सी सिचुएशन से जादू की एंट्री होगी? और हम फिल्म मेकर से यही उम्मीद करते हैं कि इस बार कोई नया म्यूटेंट ना लेकर आए कहानी में और कहानी के ओरिजिनल प्लॉट पर टिक जाएं। राकेश रोशन ने इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म की स्क्रिप्ट अभी तक फाइनल नहीं हुई है मगर जहाँ तक स्टोरी हमने देखी है देखा गया है कि ऋतिक रोशन ने बाप और बेटे दोनों का रोल खुद ही निभाया है। और अब क्रिश 3 में हमने देखा था कि उनके बेटे का जन्म हुआ जिसमें वही सुपर पावर्स हैं। तो क्या अब अपने बेटे के रोल को भी वही निभाएंगे और क्रिश 4 में ट्रिपल रोल में नजर आएंगे या फिर उनके बेटे के रोल के लिए किसी और एक्टर को हायर किया जाएगा? एक्टर को हायर करने का मतलब है कि फिल्म में टाइम लैप्स दिखाया जाएगा जहां बेटा उन्हीं शक्तियों के साथ बड़ा होता है। तो क्या ये भी क्रिश जूनियर बनकर दुनिया की रक्षा करेगा या फिर जैसे रोहित की दादी ने उससे उसकी शक्तियाँ छुपाई थी वैसे इससे भी इसकी शक्तियाँ छुपाई जाएंगी और फिर इसे एकदम से सब कुछ सच पता चलेगा? खबरों की माने तो इस बार क्रिश 4 के लिए कियारा आडवाणी को साइन करने की बात चल रही है। तो क्या हम ये मान ले कि अब क्रिश फ्रेंचाइजी से प्रिया मेहरा बाहर हो चुकी हैं और कियारा आडवाणी किस रोल में नजर आएंगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव अगर हुई तो कहानी में जूनियर सुपर हीरो की प्रेमिका बनकर नजर आएंगी या फिर फिल्म के प्लॉट से आ रही खबरों की माने तो ये क्रिश को टाइम ट्रेवल करने में मदद करने वाली है। एक बात तो साफ है कि जिस तरह से अभी तक क्रिश फ्रेंचाइजी फर्स्ट मूवी के प्लॉट से आगे की कहानी कंटिन्यू कर रही है इस बार भी क्रिश के बेबी बॉय का होना इस मूवी में कंफर्म है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कितने रोल में ऋतिक रोशन नजर आएंगे। आपके हिसाब से इस बार कहानी में क्या क्या बदलाव लाने चाहिए और क्या रहेगी जूनियर क्रिश की परफॉर्मेंस, हमें अपने व्यूज जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही बॉलीग्रैड स्टूडियोज को भी क्यों सत्यजीत रे की इस नेवर फिनिश्ड फिल्म को राकेश रोशन ने पाया उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए परफेक्ट। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। क्रिश सीरीज को हम बॉलीवुड की उस आउटसाइडर की तरह देख सकते हैं जिसने धीरे धीरे स्टडी कदमों के साथ ऑडियंस के दिलों पर अपना राज जमा लिया है।
कोई मिल गया से शुरुआत हुई, जिसे बच्चों की मूवी और उस समय बॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की कैटेगरी में डालकर अलग कर दिया गया। भले ही फिल्म हिट रही, लेकिन हर बॉलीवुड साइंस फिक्शन क्रिटिसिज्म या जोक में फिल्म का नाम आने लगा। अब प्यारे एलियन से सब पर अपना जादू चलाकर उनको दिलों के दरवाजे खोलने के बाद बारी थी सुपर हीरो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की, जिसमें दस्तक दी थी ब्लैक कैप वाले हीरो ने, जिसका नाम था क्रिश। फिर क्या था, क्रिश ने अपनी वो जगह बना ली जिस पर उसकी नजर थी और जिस फिल्म के सीक्वल्स के अनाउंसमेंट सुनकर लोगों को खास फर्क भी नहीं पड़ता था और सिर्फ फ्री टाइम होने पर ही लोग जिसे थिएटर्स में देखने जाते थे, अब उसके सीक्वल की लोग राह देखने लगे। तो अपनी प्लानिंग में इतने सक्सेसफुल होने के बाद अब राकेश रोशन का अगला कदम क्या होगा, अब वो ऑडियंस पर किस तरह अपना जादू चलाएंगे, आइए जानते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो इस फिल्म के रिजेक्शन पीरियड के बाद की है। दरअसल रे की इस फिल्म को फाइनेंस करने के लिए कोलंबिया पिक्चर्स ने हामी भरी थी, लेकिन बाद में ये फिल्म कैंसिल हो गई। इसके करीबन 14 साल बाद स्टीवन की क्लासिक मूवी ईटी रिलीज हुई, जिसकी कहानी यहाँ तक कि एलियन का अपीयरेंस और स्क्रीन प्ले भी सत्यजीत रे से काफी मिलता जुलता था। एक रिपोर्टर जिन्होंने रे से इस बारे में बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि मैं रे की द एलियन की स्क्रीन प्ले से हैरान रह गया, क्योंकि वाकई दोनों कहानियों में इवन लुक्स में कुछ ज्यादा ही सिमिलर है। हालांकि स्टीवन ने इन खबरों को पूरी तरह से ये कहकर नकार दिया कि जब द एलियन की बातें चल रही थी तब वो हाई स्कूल में थे। लोगों ने रे से इस मैटर को आगे बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन रे ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें स्टीवन एज अ डायरेक्टर पसंद थे। आप जरूर सोच रहे होंगे कि एक ऐसी फिल्म जो पूरी बनी भी नहीं और जो कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है, उससे राकेश रे को ट्रिब्यूट कैसे दे पाएंगे। वैसे इसका जवाब है हमारे पास, लेकिन इसे जानने के लिए आप कैसे इंडिया के बिगेस्ट एवर डायरेक्टर को अपनी फिल्म से ट्रिब्यूट देने के प्लान में है राकेश रोशन। क्या है हॉलीवुड की इस कल्ट फिल्म की इंडियन सिनेमा से आइडिया चुराने की कहानी। तो हाय गाइस, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम आज बात करेंगे क्रिश 4 फिल्म से रिलेटेड काफी दिलचस्प बातों के बारे में। तो चलिए बिना ज्यादा वक्त लगाए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। क्रिश 4 राकेश रोशन द्वारा डायरेक्टेड ऋतिक रोशन स्टारर एक अपकमिंग फिल्म है, जिसके लिए लोगों की एक्साइटमेंट थमने का नाम ही नहीं ले रही। और कभी फिल्म में चार ऋतिक, तो कभी जादू की वापसी, तो कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री, तो कभी टाइम ट्रैवल की खबरें इस एक्साइटमेंट को सातवें आसमान का सफर कराती ही रहती हैं। लेकिन अब तो ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे शायद सभी सिनेमा के फैंस के चेहरों पर एक खुशी की लहर दौड़ जाने वाली है। एक्साइटेड टू नो? तो उसके लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में सक्सेसफुल वही जो अपडेटेड है, वो डेज और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स में बदलाव लाता है। और इस बेसिक सी बात से हमारे डायरेक्टर साहब राकेश रोशन कैसे अनजान हो सकते हैं, तो उन्होंने सक्सेस के इसी मंत्रा को अपनी अपकमिंग फिल्म क्रिश 4 में आजमाने का फैसला किया है। अब आपको तो पता ही है कि इस साल हम इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर, जिनके चर्चे पूरे वर्ल्ड में हैं, यानी कि आर वेरी ओन सत्यजीत रॉय की 100th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। ऐसे में राकेश रोशन ने फैसला किया है कि वो अपनी क्रिश 4 से इस कभी ना भुलाए जाने वाली शख्सियत को ट्रिब्यूट देंगे। और ये फैसला इतना अहम इसलिए भी है क्योंकि क्रिश 4 से बेहतर फिल्म इस काम के लिए और कोई हो ही नहीं सकती। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, तो क्योंकि इस फिल्म से जादू की वापसी की खबरें आ रही हैं, जो कि एक एलियन है। आपको बता दें कि सत्यजीत रॉय भी द एलियन नाम की एक फिल्म पर काम करना चाहते थे, लेकिन ये फिल्म कभी बन ही ना पाई। इसकी स्क्रिप्ट इतनी तगड़ी थी कि कोलंबिया पिक्चर्स ने इसे बनाने के लिए हामी भरी थी। एक्टर्स भी फाइनलाइज हो गए थे, लेकिन फिर कुछ कोऑर्डिनेशन और रोल इश्यूज के कारण धीरे धीरे कन्फर्म्ड कास्ट ने अपना नाम वापस लेना शुरू किया और इस तरह ये फिल्म बन ही ना पाई। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि 15 साल बाद बनी स्टीवन स्पिलबर्ग की क्लासिक ईटी फिल्म पर सत्यजीत रॉय ने उनकी स्टोरी प्लेजराइज करने के इल्ज़ाम लगाए थे। अब ये इल्ज़ाम सही थे या गलत जानना चाहते हो,
तो हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें हम इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की स्क्रिप्ट राइटर हैं उपासना पांडे। बहुत बहुत डैड और उसके ग्रैंडफादर से भी ज्यादा बना देगी ताकतवर। और क्या सच में कृष का बेटा होने वाला है अपने पापा और अपने दादाजी से भी ज्यादा पावरफुल? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी दोस्त मीनाक्षी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राकेश रोशन द्वारा गिफ्टेड इंडिया को सबसे बेहतरीन सुपर हीरो जॉनरा की मूवी की फ्रेंचाइज क्रिश के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अब अगर आज के समय में आप किसी भी बच्चे से उसका फेवरेट सुपर हीरो जानने की कोशिश करेंगे तो वो मार्वल, डीसी या फिर एवेंजर्स के किसी कैरेक्टर का ही नाम लेंगे। लेकिन अगर आप उनको बताएंगे कि हम इंडियन कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो सबकी जुबान पर बस एक नाम होगा और वो होगा क्रिश का। क्रिश ने सक्सेसफुली अपनी 3 मूवीज बना चुकी हैं और तीनों की 3 मूवी काफी ब्लॉकबस्टर रही। और साथ ही साथ में क्रिश के मिशन, क्रिश की कहानी और साथ ही साथ में मूवी में दिए गए प्लॉट एंड ट्विस्ट हर बार परफेक्शन का नाम दिखाते हैं। लेकिन इस बार एक और चीज स्पाइस अप करने वाली है क्रिश की फ्रेंचाइज को। जल्दी राकेश रोशन क्रिश 4 की मूवी लेके हम लोगों के सामने आने वाले हैं। और इस बार फिल्म में सिर्फ हाई स्पीड ही हाई जंप के अलावा एक और सुपर पावर दिखने वाली है क्रिश के पास, जो कि होने वाली है टाइम और गैलेक्सी को पार करने की। वहीं क्रिश के बेटे के पास भी एक काफी खास पावर होने वाली है। तो आइए जानते हैं ऐसा कैसे। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा था कि क्रिश 3 की एंडिंग के दौरान क्रिश की वाइफ यानी कि प्रिया को एक बेबी होता है और उसके पास होती है बाय बर्थ ही उड़ने की शक्ति, जो कि उसके डैड या उसके दादाजी में से किसी के पास भी नहीं होती। अगर इसके बारे में मैं आपको रिवाइंड कराऊं तो हम देख सकते हैं कि कैसे कोई मिल गया में बास्केटबॉल मैच के दौरान रोहित ने सेमी फ्लाइंग की थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि जादू ने अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके वो पावर क्रिएट की थी और उसको सेमी फ्लाइंग करवाई थी। खुद से यह पावर रोहित के पास नहीं होती। वहीं अगली मूवी में हमने क्रिश को हाई जंप करते, हाई स्पीडी रहते और हाई एग्रिटी वाली पावर्स के साथ देखा, लेकिन फ्लाइंग पावर्स स्टिल मिसिंग। लेकिन अगर बात करें क्रिश 3 के बारे में तो जब रोहित क्रिश को दोबारा से जिंदा करते हैं तो वह अपनी पावर्स एक ब्रेन ट्रांसमीटर के थ्रू क्रिश को दे देते हैं, जिसकी वजह से क्रिश के पास और भी ज्यादा पावर्स आ जाती हैं और वह पावर्स उतनी होती है जितने की जरूरत पड़े। और इसी की वजह से कैरेक्टर जुड़ जाता है क्रिश के बेटे के अंदर भी, और इसीलिए क्रिश के बेटे को मिल जाती हैं फ्लाइंग पावर्स, वो भी बाय बर्थ। तो अब इसकी वजह से क्या तड़के लगने वाले हैं इस मूवी में और इस फ्रेंचाइज में अब क्या ट्विस्ट लगेगा इस बात की वजह से, ये बात तो देखने लायक होगी। साथ ही साथ में ये सुपर पावर्स बना देती है क्रिश के बेटे को अपने डैड और अपने दादा दोनों से पावरफुल। तो दोस्तों, आपका इस फ्रेंचाइज के बारे में क्या कहना है और इस नई सुपर पावर को लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और करें वीडियो को लाइक और शेयर और करें बॉलीग्राड स्टूडियोज के चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप जुड़े रहें हिंदी सिनेमा। क्या कीर्ति सेनन हुई क्रिश 4 से बाहर? किसने लिया कीर्ति का जगह? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, जब से क्रिश फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म यानी क्रिश 4 अनाउंस हुई है, लगातार ही सुर्खियों में बनी रहती है। हर दिन फिल्म को लेकर कोई ना कोई अपडेट आता ही रहता है। अब फाइनली फिल्म की फीमेल लीड का भी खुलासा हो चुका है और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन ने ही किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पिक्चर में कियारा आडवाणी को फीमेल लीड के तौर पर कास्ट कर लिया गया है। जी हाँ, वैसे तो इस पिक्चर में पहले कीर्ति सेनन को हायर किए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन कीर्ति सेनन का पट्टा काटा है कियारा आडवाणी ने। जी हाँ, इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ रोमांस करते हुए दिखेंगी हमारी प्रीति यानी कियारा आडवाणी। अब कियारा का नाम चर्चा में है और धमाका ना हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। वेल दोस्तों, कियारा आडवाणी की एक्टिंग स्किल्स इतनी बेहतरीन होती है, हमने इससे पहले भी उन्हें गुड न्यूज, कबीर सिंह जैसी फिल्मों में देखा है,
जहां उनकी बेहतरीन अदाकारी को लोगों ने काफी पसंद किया। सुपर हीरो यानी ऋतिक रोशन की तो दोस्तों एक बार फिर से हमारे सुपर हीरो तगड़ा धमाका मचाने वाले हैं क्रिश 4 के साथ। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, क्रिश 4 में एक बार फिर से जादू की वापसी देखने को मिलेगी। साथ ही कुछ दिनों पहले ऐसे रूमर्स चल रहे थे कि ऋतिक रोशन इस अपकमिंग फिल्म में 4 किरदार निभाने वाले हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तमाम रूमर्स गलत साबित हुए। आपको बता दूं, पहले ये कॉन्सेप्ट हॉलीवुड की कई फिल्मों में यूज किया जा चुका है, जहां एक ही कलाकार दूसरे अन्य किरदारों को निभाता हुआ नजर आता है। वेल, एक ही किरदार कई तरीके के रोल्स एक ही पिक्चर में निभाते हुए हमें दिखता है। पहली बार ऐसा होता अगर बॉलीवुड में ऋतिक रोशन 4 किरदार निभा रहे होते, वो पहले ऐसे एक्टर बन के बॉलीवुड थे। लेकिन मैं आपको पहले से इंतजार करती थी और किस तरह क्रिश 3 मूवी क्रिश मूवी से कनेक्टेड थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड रैप स्टूडियोज में, और आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे चहीते और सबसे पावरफुल सुपर हीरो क्रिश के बारे में। आज के टाइम में अगर आप किसी बच्चे से सवाल करोगे कि आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है, तो वो हॉलीवुड के फेमस हीरोज आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, बैटमैन और एवेंजर्स को ही जुबान पर लेकर आएगा। लेकिन जब आप कहोगे कि अगर इंडिया से नाम देना है, तो सबकी जुबान पे एक ही नाम आता है और वो है क्रिश का। तो सही समझा आपने। आज हम फिर से बात करेंगे राकेश राशन द्वारा डायरेक्टेड फेमस सुपर हीरो सीरीज क्रिश की, जिसमें अब तक टोटल 3 फिल्में बन चुकी हैं, जो कि हैं कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3। क्रिश 3 मूवी का बेसिक कॉन्सेप्ट था एक न्यू विलन कार्ल, जिसने अपने डीएनए की मदद से एक नई महामारी को ऐजाद किया, जिसे वो अलग अलग कंट्रीज में फैला देता है, और उनकी कंपनी के पास उस बीमारी का एंटीडोट तैयार रहता था, जिससे वो कार्ल के ब्लड सैंपल से तैयार करते थे। और जब बीमारी से कंट्री की कंडीशन एक्सट्रीम हो जाती है, तब कार्ल की कंपनी एंटीडोट्स को काफी हाई प्रॉफिट्स पे बेचती है, क्योंकि एक न्यू बीमारी के एंटीडोट बनाना में डॉक्टर्स को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसमें उन्हें काफी समय भी लग सकता था। तो वहीं कार्ल की कंपनी के पास बीमारी को बनाने और हटाने दोनों का ही तरीका पहले से मौजूद था। तो जब ये बीमारी इंडिया में फैलनी शुरू की गई, तो साइंटिस्ट टीम मौजूद थे रोहित मेहरा, जो कि इस वायरस के एंटीडोट बनाने में जुट चुके थे। और तभी रोहित मेहरा ने ये चीज नोटिस की थी कि ये वायरस के सैंपल्स रोहित के डीएनए से काफी सिमिलर थे। रोहित ने ये बात कृष्णा को भी बताई और ये भी बताया कि रोहित और क्रिश पे इसका असर नहीं हो रहा, और ना ही प्रिया पे, क्योंकि उसके पेट में क्रिश का बेटा था, यानी कि उनके ब्लड से इस बीमारी का एंटीडोट बन सकता था, जैसा कि रोहित ने किया भी। और सिमिलर सैंपल्स होने की असली वजह थी डॉक्टर आर्यन द्वारा किए गए कुछ टेस्ट की वजह से कार का बनना। ये एक बहुत ही शानदार मास्टर स्ट्रोक सीन था राकेश रोशन द्वारा, जो कि क्रिश मूवी को क्रिश 3 से कनेक्ट करता था, क्योंकि कार को रोहित के डीएनए से ही तैयार किया गया था, जिस वजह से कार के पास टेलीकाइनेटिक्स पावर थी। तो आपके क्रिश के बारे में और डायरेक्टर राकेश के मूवी कनेक्शंस के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये वीडियो। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे ऋतिक रोशन की होम प्रोडक्शन में तैयार की गई मूवी फ्रेंचाइजी क्रिश की, जिसमें वो खुद सुपर हीरो क्रिश के रोल को प्ले करते हैं। क्रिश फ्रेंचाइजी के अंडर अब तक कुल मूवीज तैयार की गई है, कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3। तीनों ही मूवीज अपने ईयर की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी, और डायरेक्टर रोशन अब पूरी तरह तैयार है इस मूवी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए क्रिश 4 के जरिए। एक सुपर हीरो मूवी होने के साथ साथ क्रिश 3 में काफी ज्यादा कलरफुल सॉन्ग्स थे और मूवी के डांस भी बहुत शानदार थे, जहां 230 डांसर्स का भी यूज किया गया था। क्रिश को 2 मूवीज में देखा गया, क्रिश और क्रिश 3 में, और क्रिश सुपर हीरो बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस है और सभी बच्चों को क्रिश काफी ज्यादा पसंद है। क्रिश के मास्क के सभी दीवाने हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिश के मास्क को वैक्स से तैयार किया जाता है?
जी हाँ, वही वैक्स जिससे कैंडल तैयार होता है, उसी वैक्स से ही क्रिश का मास्क तैयार किया जाता है। और ये बात तो ऑब्वियस है कि वो मास्क पिघल भी सकता है, और इसी वजह से मूवी मेकर्स ने क्रिश के तीनों मूवीज में पूरे 600 मास्क का इस्तेमाल किया है शूटिंग के दौरान। मूवी के सीन्स की शूटिंग से 2 घंटे पहले से ही कंगना रनौत को अपनी ड्रेसिंग शुरू करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि कंगना को 4 किलो वेट लॉस भी करना पड़ा था ताकि वो काया के कॉस्ट्यूम में पूरी तरह फिट हो सके। और शूटिंग से पहले कंगना को हर दिन 2 घंटे का समय लगता था काया की कॉस्ट्यूम में परफेक्टली फिट होने के लिए। बिल्कुल इसी तरह ऋतिक को रोहित मेहरा की सीन शूट करने से पहले भी काफी देर लगती थी तैयार होने में, क्योंकि रोहित का कैरेक्टर एक ओल्ड पर्सन का किरदार है, जिस वजह से ओल्ड दिखने के लिए अब्रॉड से प्रोस्थेटिक एक्सपर्ट्स ऋतिक के लुक्स के ऊपर काम करते थे। जब भी रोहित मेहरा की सीन्स की शूटिंग करनी होती थी तब ऋतिक को हर दिन शूटिंग से पहले लगभग 4 घंटे और 30 मिनट तक पहले प्रोस्थेटिक से उस लुक को तैयार करते और उसके बाद वो शूटिंग करते थे। आपके इस मूवी के बारे में और मूवी के कंसेप्ट के बारे में क्या विचार है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं सिलसिला कहने का कुछ अन कहा और सुनाने का कुछ अन सुना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल। आखिर क्रिश 4 के लिए खास तौर पर क्यों एक्साइटेड है ऑडियंस और सबके दिमाग में जादू आज तक जिंदा कैसे है, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं फिल्म क्रिश 4 के बारे में। दोस्तों क्रिश 4 ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म है, जिसमें क्रिश यानी कि हम सभी का सुपर हीरो एक बार फिर लौट कर आने वाला है सभी की जान बचाने। और दोस्तों ये पहली बार होने वाला है कि किसी फिल्म के लिए लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि वो फिल्म के रिलीज डेट में दिन गिन रहे हैं। जी हाँ, क्रिश की फ्रेंचाइज में कई सारी फिल्में आई हैं जिसमें आने वाला है 4th पार्ट, और 4th पार्ट के लिए दर्शकों की एक्साइटमेंट कुछ नेक्स्ट लेवल पहुंच गई है। तो अब आइए जानते हैं क्यों। तो अब आप सभी को रीजन जानना था ना, तो जान लीजिए रीजन। इस सब के पीछे का रीजन है वो खबर जिसने हम सभी को बताया कि फिल्म में वापस आने वाला है हमारा येलो कोट वाला ब्लू एलियन यानी के जादू। जी हाँ दोस्तों, इतने सालों बाद भी हम सभी के दिमाग में जादू जिंदा है, और अब ऐसी खबर आ जाए कि क्रिश 4 में जादू वापस आ जाएगा तो भाई हम एक्साइटेड कैसे ना हो। अब जादू हम सभी के दिमाग में जिंदा कैसे है, तो आइए आप सभी को मैं ये भी बता देती हूँ। अब क्रिश फ्रेंचाइज ने कभी भी नुकसान का सामना नहीं किया, लेकिन दर्शकों को हमेशा फिल्म मेकर्स से एक शिकायत रहती थी कि एलियन का कॉन्सेप्ट हटाकर अचानक से सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया। यानी कि कहीं ना कहीं फिल्म में एलियन का जिक्र तो होना चाहिए था, जादू तो होना चाहिए था। तो इस सब को देखकर फिल्म के मेकर्स यानी कि राकेश रोशन ने भी डिसाइड किया है कि फिल्म के 4th पार्ट में हम सभी को जादू नजर आने वाला है। तो अब चलिए आइए, जादू का जिक्र हो रहा है तो मैं आप सभी को बता दूं जादू की खास बातें, और ये हम सब भी जानते हैं। दोस्तों टॉप पर आती है जादू की क्यूटनेस और जादू का वो धूप धूप कहकर इशारों में बात करना। अब चाहे आप वो सीन याद कर लीजिए जब रोहित और जादू मिलते हैं, या फिर वो वाला सीन जिसमें जादू रोहित की मम्मी से छुप रहा होता है। जादू के होने से फिल्म ने एक फेरी टेल का रूप ले लिया था, जादू की वजह से सभी को इस फिल्म को देखकर बड़ा मजा आया था। अब चाहे आप उस सीन की बात कर लीजिए जब रोहित ने 10th क्लास के बच्चे के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, और वही रोहित जो ढंग से चल भी नहीं पाता था वो इट्स मैजिक वाले गाने पर डांस कर रहा था। तो ऐसे में जादू को हम लोग कैसे भूल जाएं, जादू की इम्पोर्टेंस हम लोग कैसे कम कर पाए। और दोस्तों फिल्म की सबसे खास बात थी फिल्म में रोहित और जादू की बॉन्डिंग। जो रोहित कभी अपने लिए भी आवाज नहीं उठा पाता था वो जादू के लिए आवाज क्या पूरा का पूरा बाहर चला जाता है लोगों से लड़ने, और वही रोहित और जादू लोगों को हंसाते भी हैं और वही लोगों को रुलाते भी हैं। इन दोनों की जोड़ी ने सभी को बहुत खुश किया था। अब दोस्तों ये वही बॉन्डिंग है जो लोगों ने क्रिश की सभी सीरीज में बहुत मिस करी। सभी ने जादू को मिस किया, सभी ने वो बॉन्डिंग वो दोस्ती कहीं ना कहीं बहुत हद तक मिस करी। तो अब ऐसे ही में क्रिश 4 में जब जादू के आने का जिक्र हो यानी कि हम सभी के प्यारे एलियन के आने का जिक्र हो तो हम सब खुश कैसे ना हो। अब आप लोग बताइए कि आप ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट करिए। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से नजर आ सकते हैं। और बात की जाए फिल्म की फीमेल लीड की तो वो कोई और नहीं बल्कि कृति सेनन ही हो सकती है, और साथ में कृति खरबंदा भी
देखने को मिल सकती है। इस वजह से ये मूवी एक मल्टी स्टारर हो जाएगी। वैसे तो इंडिया में सुपर हीरो मूवीज को सिर्फ बच्चों के लिए बनाया जाता है, पर एमसीयू ने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करके इंडियन ऑडियंस को सुपर हीरोज मूवी की आदत सी लगा दी और इसको सभी उम्र के लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो अब इंडियन डायरेक्टर्स को भी सुपर हीरो मूवीज बनाने के लिए इंटरेस्ट आ रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया में बस क्रिश ही एक ऐसी सुपर हीरो फ्रेंचाइज है जिसने सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर किया है। तो अब इसके फोर्थ पार्ट के बनने की खबरें शुरू हो चुकी है। इस मूवी का इंतजार इंडियन ऑडियंस को बहुत दिनों से था और अब राकेश रोशन ने हॉलीवुड स्टूडियो को क्रिश 4 के लिए हायर किया है। इसकी वजह से फिल्म के VFX काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं और फिल्म थिएटर पर एक ब्लॉकबस्टर बन सकती है और वर्ल्ड को भी पता चल जाएगा कि इंडिया भी अपना सुपर हीरो सिनेमैटिक बना सकती है और MCU की तरह सक्सेस कर सकती है। वैसे खबरें आ रही है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और टाइगर श्रॉफ को विलन के लिए हायर किया जा सकता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक्टिंग में नवाज और एक्शन में टाइगर दोनों बेस्ट हैं। और पिछले ईयर ही हमने ऋतिक और टाइगर की बॉस में देख लिया है कि ये जोड़ी कैसे अपने ईयर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन सकती है। तो अब ये दोनों की जोड़ी और नवाज के होने से क्रिश 4 को सुपर हिट होना तो तय लग रहा है। और न्यूज भी है कि क्रिश को इस बार ज्यादा फास्ट और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी मिल सकती है और इस मूवी में जादू के रिटर्न होने की खबरें आ रही हैं, जो अब अपने पार्स एक्सप्लोर कर चुका है तो क्रिश को पार्स देख सकता है, जिसकी वजह से हमें फाइनली क्रिश अपने सुप्रीम पार में देख सकता है, क्योंकि अब की बार विलन बहुत पावरफुल होने वाला है और क्रिश के अलावा वो हारने वाला है। क्रिश को जादू की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि वो विलन को हरा पाएगा और हो सकता है कि पहले पार्ट में क्रिश हर दी जाए, बट क्योंकि वो जादू की हेल्प लेने वाला है और विलन से जीत सकेगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में जादू की हेल्प उसे लेनी ही पड़ेगी। क्रिश 4 इंडिया की दूसरी फ्रेंचाइज होगी जिसकी फोर्थ पार्ट आएगा। पहले गोलमाल फ्रेंचाइज थी, फोर्थ पार्ट होने वाली। क्रिश 4 पर इंडिया के सुपर फैंस की नजरें टिकी हुई है। मूवी ही डिसाइड करेगी कि इंडिया को अपना सुपर हीरो यूनिवर्स मिलेगा या नहीं। चलिए अब क्रिश 4 में क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। खबरें ऐसी आ रही है कि मूवी एवेंजर्स की तरह सेकंड पार्ट में बन सकती है और खबरें ये भी हैं कि ऋतिक शायद विलन और हीरो दोनों का रोल निभाएंगे। हमें इविल क्रिश भी देखने को मिल सकता है और दूसरा क्रिश भी। प्रियंका चोपड़ा नहीं हो सकती है क्योंकि उनके बिहाफ में टीम कृति सरन और कृति खरबंदा को साइन कर लिया गया है। वे फीमेल सुपर हीरोज के अवतार में हमें नजर आ सकती है और हमें इंडिया की फर्स्ट फीमेल सुपर हीरो को देखने को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मार्वल और डीसी ने फीमेल हीरोज को काफी अच्छे कैरेक्टर्स में इंट्रोड्यूस किया है। फॉर एग्जांपल, कैप्टन मार्वल, वंडर वुमन, आयरन गर्ल, ब्लैक विडो एक्सेट्रा। और ऐसे फीमेल लीड मूवीज को मेल लीड से ज्यादा IMDb रेटिंग और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट को और बढ़ावा मिल सकता है। ये न्यूज है कि विद्युत जम्वाल एक सुपर हीरो अवतार में नजर आ सकते हैं और क्रिश के साथ देते नजर आएंगे। इस वजह से दो सुपर हीरो देखने को मिल सकते हैं मूवी में। पावरफुल विलेन को अच्छे से टक्कर दे पाएगी क्रिश की टीम। लास्ट पार्ट में विवेक ओबेरॉय काल की भूमिका में नजर आए थे, पर क्या काल वापस आ सकता है और उसकी काल आर्मी भी वापस आ सकती है? इसके चांसेस तो कम है, पर अगर ये हो जाए तो इंडियन पब्लिक को मजा ही आ जाएगा मूवी देखने में, क्योंकि लास्ट पार्ट में काल ने ऑलमोस्ट क्रिश को हरा दिया था और उसका आयरन सूट भी काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगा था। और बात की जाए दूसरी इंडियन सुपर हीरो मूवीज की, तो जो अनाउंस की गई है वो है विकी कौशल की इमोरल अश्वत्थामा, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन स्टारर ब्रह्मास्त्र। साउथ इंडस्ट्री में एक और सुपर हीरो यूनिवर्स अनाउंस किया गया है। उसकी फर्स्ट मूवी का टीजर आया है हनुमान नेम से। रोबोट 3.2 पर भी काम स्टार्ट हो गया है। राज कॉमिक के नागराज को रणवीर सिंह ने साइन किया है। धर्मा प्रोडक्शन के साथ इंडियन को अपने फर्स्ट एंटी सुपर हीरो अपरिचित का बॉलीवुड रिमेक भी देखने को मिल सकता है।
तो ये सारे न्यूज से ये पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे सुपर हीरो मूवीज हमें देखने मिलेंगे और क्रिश फ्रेंचाइज का कॉम्पिटिशन भी मिलेगा आने वाले टाइम में और सुपर हीरो मूवीज का एरा आने वाला है, इसलिए क्रिश फोर इसको स्टार्ट दे सकती है। और हम जानते हैं कि ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे फिटनेस फ्रीक इंसान है और टाइगर और विद्युत उनसे कम नहीं है, दोनों काफी अच्छी फिजिक इंसान है और तीनों बेस्ट चांसेस ऑफ बॉलीवुड है। ऋतिक चाहते हैं कि फिल्म में सारे फिट एक्टर्स रहे क्योंकि एक सुपर हीरो मूवी का एक्शन सीन काफी होंगे इसमें, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते मूवी को लेकर क्योंकि ये मूवी उनका और भी उनके पापा की ड्रीम प्रोजेक्ट है और 15 ईयर का सपना है, ये उनके करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। पब्लिक सबसे ज्यादा इवन क्रिश को देखना चाहती है और उनके सूट में काफी चेंजेस किए गए हैं, ज्यादा डैशिंग बनाया गया है। एक न्यूज भी ये है कि क्रिश व्हाइट सूट में क्या आ रहा है, क्रिश फिर से जादू को लेकर, क्रिश 4 में क्या हो सकती है रोहित मेहरा की वापसी, क्रिश सीरीज के 15 साल पूरे होने पर क्या ऑफिशियली अनाउंस किया है ऋतिक ने। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन की हाई फाई फिल्म क्रिश के रिलीज को 23 जून को 15 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर ऋतिक ने अपने फैंस के साथ एक खुशखबरी साझा की। उन्होंने एक वीडियो के साथ फिल्म की चौथी फिल्म क्रिश 4 की ऑफिशियल घोषणा कर दी है। क्रिश 4 को लेकर काफी वक्त से खबरें आ रही थी मगर ये पहली बार है जब ऋतिक ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है। वीडियो में क्रिश और उसके नए मास्क की झलक दिखाई गई है और अंत में लिखा आया कि क्रिश के 15 साल। इसके साथ ऋतिक ने लिखा, अतीत में जो होना था हो चुका है, देखते हैं भविष्य क्या लेकर आता है। क्रिश 23 जून 2006 में रिलीज हुई थी। ये ऋतिक की पहली साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया का सीक्वल थी। फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। बता दें कि क्रिश सीरीज की चौथी फिल्म में ऋतिक का किरदार कृष्णा यानी क्रिश अपने पिता रोहित मेहरा को वापस लाने के लिए टाइम ट्रेवल कर सकता है। क्रिश के एलियन दोस्त जादू की वापसी की संभावना भी जताई गई थी। क्रिश 4 में कई सारे सुपर विलन नजर आने की उम्मीद है जो क्रिश से मुकाबला करेंगे। फिल्म में इनके लुक्स को असरदार ढंग से दिखाने के लिए हॉलीवुड डिजाइनरों से संपर्क साधने की खबरें भी आई हैं। क्रिश 4 में पहले से ज्यादा खतरनाक विलन, ज्यादा उम्दा VFX, मजेदार कहानी और जादू का एक अनोखा रूप देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि बेशक इसमें जादू होगा पर जरूरी नहीं है कि जादू उसी रंग रूप में आएगा। उम्मीद की जा रही है कि वो बदला जाएगा और ये भी हो सकता है कि फिल्म में जादू की मेमोरी लॉस दिखाई जाए। आप क्या कहेंगे कि एलियन की मेमोरी लॉस कहाँ होती है, तो आपको बता दें कि ये एक फिक्शन मूवी है और इसमें कुछ भी हो सकता है। इसका भी प्रूफ है हमारे पास लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही अब इंतजार है फिल्म की नई अपडेट और क्रिश 4 से जुड़े किस्सों का। आप क्रिश में एक बार फिर जादू को देखने के लिए तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी दोस्त मीनाक्षी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 की मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक क्रिश 4 के बारे में। क्रिश 4 आ रही है। ये अनाउंसमेंट हमने कई बार की, फिल्म से जुड़े कुछ खास अपडेट्स का भी खुलासा किया गया लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म की अनाउंसमेंट में देरी होने के कारण फैंस का विश्वास डगमगाने लगा। लोगों ने अपडेट्स को अफवाह और वीडियोस को क्लिकबेट मानना शुरू कर दिया, पर आखिरकार हमारे इस सदियों के इंतज़ार का फल हमें मिलने वाला है। अब फाइनली क्रिश 4 आने वाली है। कहाँ हुई फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट, किसने की, कैसे की, टीजर या फिर पोस्टर? अरे थांबा, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे हम आज की इस वीडियो में। बस पेशेंटली हमारे वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब अगर आप बॉलीवुड सुपर हीरो क्रिश के डाई हार्ड फैन हैं तो इस बात से ज़रूर वाकिफ होंगे कि वेनसडे यानी कि 23 जून को क्रिश को रिलीज हुए 15 साल पूरे हो गए, जिसकी वजह से फैंस ने फिल्म की कास्ट और फिल्म के मेकर्स को खूब बधाइयाँ दी। और ऐसे में ऋतिक रोशन भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी अपने चाहने वालों के लिए एक बड़ा सा रिटर्न गिफ्ट कर दिया अनाउंस। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, क्रिश 4। ऋतिक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो रिलीज किया और उसके साथ लिखा, द पास्ट इज डन, लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर ब्रिंग्स। यानी कि
जो होना था सो तो हो गया, अब देखते हैं भविष्य क्या लेकर आता है। इस कैप्शन को उन्होंने 15 इयर्स ऑफ क्रिश और क्रिश 4 टैग्स के साथ पोस्ट कर दिया। और फिर क्या था, हो गया पूरा इंटरनेट पागल। आप ज़रूर एक्साइटेड हो रहे होंगे ये जानने के लिए कि वीडियो में क्या खास था। क्या वीडियो में विलन की झलक देखने को मिली, या लेडी लेडी का दीदार हुआ, जादू की वापसी, या फिर ऋतिक रोशन का कोई एक्शन सीन? पर आपकी इस एक्साइटमेंट को हमें डिसअपॉइंट करना होगा, क्योंकि मेकर्स ने फैंस के साथ सरप्राइज गेम खेलना शुरू कर दिया है। और इसीलिए क्रिश की इस वीडियो में कुछ भी रिवील नहीं किया गया, बस बैकग्राउंड में उड़ते हुए क्रिश को एक ब्लर्ड वीडियो में शो किया गया और उसके साथ ही क्रिश का मास्क स्क्रीन की ओर फेंक दिया गया। लेकिन हम इस बात से फिर भी खुश हैं कि फाइनली फिल्म आ रही है और फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। खैर, आपको बता दें कि इससे पहले क्रिश और क्रिश 3 की लीडिंग लेडी प्रियंका चोपड़ा जोनस की टीम ने भी फिल्म के कुछ स्टिल पोस्ट करके इस दिन को सेलिब्रेट किया। जाहिर है फैंस जानना चाहते थे कि ये पिछली क्रिश फिल्मों की तरह क्या इस बार भी हमें प्रियंका चोपड़ा इस सुपर हीरो ड्रामा में दिख सकती हैं, और अगर नहीं तो उनके बारे में इसका क्या कहना है। लेकिन अफसोस, हमें कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, क्रिश 4 आ रही है। हम तो सोच रहे हैं कि जब हमारा इतना बुरा हाल है एक्साइटमेंट से, तो आप लोगों का तो क्या ही हो रहा होगा। तो अपने अंदर इस एक्साइटमेंट को दबाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अभी के अभी अपने कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों दिखेंगे ऋतिक रोशन मेन विलेन के रूप में, कौन से मशहूर किरदार की हो रही है वापसी? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट, और मैं बॉलीग्राड स्टूडियोज में सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो जिस घड़ी का इंतजार ऋतिक रोशन के फैंस कर रहे थे, वो घड़ी अब फाइनली आ गई है। क्रिश 4 का औपचारिक ऐलान आज ऋतिक रोशन ने ट्विटर पर कर दिया है। क्रिश के 15 साल पूरे होने के खास मौके पर क्रिश 4 की घोषणा की गई है। ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें पहली झलक दिखाई गई है और बताया गया है कि क्रिश के 15 साल पूरे हो गए हैं। इस वीडियो को ऋतिक ने शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, अतीत में जो हुआ वो हो गया, देखते हैं कि भविष्य क्या लेकर आता है। इस वीडियो में क्रिश का बैकग्राउंड सुनाई दे रहा है और क्रिश के मास्क को दिखाया गया है, जिसके बाद वीडियो के अंत में लिखा हुआ आता है, क्रिश के 15 साल। तो आपको बता दें कि साल 2006 में क्रिश सीरीज की शुरुआत हुई थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। इसमें ऋतिक रोशन के साथ प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी नजर आई थी। इसके बाद साल 2013 में क्रिश 3 रिलीज की गई, जिसमें ऋतिक और प्रियंका की इस कहानी को और आगे बढ़ाया गया, जिसमें कुछ नए चेहरे नजर आए। इस फिल्म में विवेक ओबरॉय और कंगना रनौत भी नजर आई थी। लेकिन क्रिश से पहले इस कहानी की भूमिका कोई मिल गया में रखी गई थी, जो क्रिश के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई और क्रिश इसके आगे का ही भाग है। क्रिश सीरीज को लेकर लोगों में काफी क्रेज है और काफी समय से इस फिल्म का इंतजार हो रहा है। अब जल्द ही ये इंतजार खत्म होगा। इस बार ऋतिक रोशन के साथ प्रियंका चोपड़ा दिखाई देंगी, या फिर किसी और चेहरे को फिल्म में शामिल किया जाएगा, इसका खुलासा तो फिलहाल नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि क्रिश 4 में ऋतिक सुपर हीरो और सुपर विलेन दोनों की भूमिका में दिखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सबको गुमराह करने के लिए फिल्म में विलेन हीरो का भेष ग्रहण कर लेता होगा और इसीलिए भी वह ऋतिक जैसा दिखने लगता होगा, ठीक वैसे ही जैसा कि RA1 में जीवन के किरदार ने शाहरुख खान का भेष धारण कर लिया था। तो अब वही हिंदी सिनेमा को एलियन का आइडिया और एलियन को एक चेहरा देने वाला सबसे मशहूर किरदार और बच्चों का फेवरेट किरदार जादू की भी इस फिल्म में वापसी होने की बातें चल रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस फिल्म में जादू को एक नेगेटिव किरदार में दिखाया जाएगा, और जब जादू प्लैनेट छोड़ के अपने ग्रह वापस जा रहा होता है तो वो एक वायरस छोड़ जाता है, जिसे इस्तेमाल कर विलेन काफी ताकतवर बन जाता है और उसे हरा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। वो ये वायरस जानबूझकर छोड़ के जाता है, क्योंकि जो लोग जादू को पकड़ना चाहते हैं वो उन लोगों से बदला लेना चाहता है। तो आपको क्या लगता है, क्या जादू को एक विलेन के रूप में देखना होगा लोगों के लिए मज़ेदार? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्दी कर दोस्तों,
मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे इंडिया की बेस्ट सुपर हीरो जीनर की फ्रेंचाइजी क्रिश के बारे में। डायरेक्टर राकेश रोशन जल्द ही क्रिश फ्रेंचाइजी की फोर्थ एडिशन पर काम शुरू करने वाले हैं और नो डाउट मूवी एक बिग प्रोजेक्ट होने वाली है, क्योंकि क्रिश 3 मूवी ने इस फ्रेंचाइजी को एक नई हाइट पर पहुंचा दिया है और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं इस मूवी फ्रेंचाइजी से। क्रिश फ्रेंचाइजी की थर्ड एडिशन यानी कि क्रिश 3 में हमने क्रिश के दो वर्जन्स देखे थे, एक जो काल के साथ बैटल में हार गया था, यहाँ तक कि काल ने उसे ऑलमोस्ट मार ही डाला था, और दूसरा जिससे रोहित ने दोबारा जिंदगी दी थी अपनी जान के बदले। और इस नए क्रिश ने जिसे एक और मौका मिला अपने डैड की तरफ से, उसने काल को सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जो क्रिश काल के हाथों मारा गया था, काल के मुकाबले उसमें बहुत कम पावर्स थी, और वहीं दूसरी तरफ काल के पास ना सिर्फ टेलीकाइनेटिक्स पावर थी बल्कि रोहित मेहरा के बोन मैरो मिलने के बाद काल के पास हर शक्ति का एक्सेस हो गया था। वो सुपर स्ट्रॉन्ग भी था, सुपर फास्ट भी था, और यहाँ तक कि उड़ भी सकता था, जिस पावर्स में क्रिश काल से पीछे था, जिस वजह से अपने से शक्तिशाली विलन काल से क्रिश नहीं जीत पाया और काल ने काफी आसानी से क्रिश को मार डाला। रोहित मेहरा ने वहाँ बिखरे हुए टुकड़ों को एक पैटर्न में लगाकर सनलाइट की रिफ्लेक्शन से उसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जिसको उन्होंने एक डेड प्लांट को जिंदा करने के लिए किया था। रोहित ने खुद को एक ब्रेन फिल्टर की तरह यूज किया और सारी सनलाइट को क्रिश में ट्रांसफर किया। इसी के साथ रोहित की पावर्स भी कृष्णा में आ गई। जिस वक्त काल सभी को झुकने के लिए कहता है, उसी वक्त पीछे से क्रिश पहुंच जाता है और ऑडियंस को पहली बार फ्लाइंग क्रिश देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब काल बहुत सारे वेपन स्टोन्स क्रिश की तरफ फेंकता है तो क्रिश उसको सिर्फ अपने माइंड से ही रोक लेता है, यानी कि क्रिश के पास भी टेलीकाइनेटिक्स पावर आ चुकी थी। यहाँ तक कि क्रिश ने एक पूरी बिल्डिंग को अपने हाथों से उठाया, जबकि मूवी के बिगिनिंग में वो एक टैंकर उठाने में भी काफी जिनकी मदद राकेश रोशन ने खुद स्क्रिप्ट राइटिंग में ली है। इन सभी सवालों का जवाब हम आज आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम उस फिल्म की बात करने वाले हैं जिसने इंडियन सिनेमा में सुपर हीरो जॉनरा को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राकेश रोशन की फिल्म फ्रेंचाइज क्रिश की। आज अगर किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि उनका फेवरेट हीरो कौन है, तो वो किसी फेमस हॉलीवुड हीरो जैसे कि आयरन मैन, सुपरमैन या बैटमैन का नाम देंगे। बट वहीं अगर उन्हें कहा जाए कि किसी इंडियन हीरो का नाम देना है, तो सबकी जुबान पे आज भी सिर्फ क्रिश का नाम आता है। तो राकेश रोशन द्वारा डायरेक्टेड इस सीरीज की 3 फिल्में ऑलरेडी बन चुकी हैं, जो कि कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3 है। अब क्रिश 4 की स्क्रिप्ट पे राकेश रोशन ने काम करना शुरू कर दिया है और वो उसकी डिटेलिंग पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, और इसमें उनके हेल्प कर रहे हैं दो बहुत ही प्यारे और उनके दिल के बहुत ही करीब हेल्पर्स, जो कि हैं रिहान और रिदान। जी हाँ, ये हैं राकेश रोशन के ग्रैंडसन्स। रिहान और रिदान का रोल होने वाला है क्रिश 4 में विलन और हीरो को डिटेलिंग देने में। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं, क्रिश की पुरानी फिल्मों में ऑलरेडी क्रिश के कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया गया है, तो वहीं ऑडियंस की उम्मीद से काफी बढ़ी हुई है। और अगर विलन की बात करें तो क्रिश 4 में एक नया विलन इंट्रोड्यूस होना है, और वहीं क्रिश के बेटे को भी एक नए सुपर हीरो के अवतार में देखा जाएगा। यही काम आने वाले हैं रिहान और रिदान। उनके यंग माइंड्स में एक सुपर विलन को और एक सुपर हीरो को फॉर्म करने की अमेजिंग थ्योरीज हैं, जो कि राकेश रोशन के विजन के साथ मिलकर कमाल कर सकती हैं। अगर स्क्रिप्ट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये कहीं ना कहीं राकेश के द्वारा उठाया हुआ बहुत ही अच्छा कदम है। जैसा कि हम जानते ही हैं, छोटे बच्चों के दिमाग में सुपर हीरो जॉनरा को लेके काफी अमेजिंग आइडियाज होते हैं, उनकी इमेजिनेशन कुछ भी सोच सकती है, और यही आइडियाज अगर राकेश को पसंद आए तो वो उसे एग्जीक्यूशन के लिए भी भेज सकते हैं। तो राकेश रोशन के स्क्रिप्ट राइटिंग आइडियाज को लेके क्या है आपके विचार, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करिए हमारे चैनल बॉलीग्रेट स्टूडियोज को। दो पर आ गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीग्रेट स्टूडियोज के फ्रेश न्यू वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे इंडियन सुपर हीरो की धमाकेदार वापसी के बारे में। आप सभी जानते हैं इंडियन सुपर हीरो कौन है? जी हाँ, ऋतिक रोशन स्टारर क्रिश क्रिश फ्रेंचाइजी का फोर्थ सीक्वल जल्द ही रिलीज होने वाला है। राकेश रोशन ने फिल्म के रिलीज को कंफर्म किया है और तब से ही ये खबर मार्केट में आग की तरह फैल गई है। हर जगह बस यही सनसनी मची हुई है कि इस बार कहानी किस सुपर विलन पर बेस्ड होगी।
ट्विटर और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैंस की बस एक ही गुजारिश है कि जादू को वापस लाया जाए। दूसरे ग्रह से आए एलियन जिसका नाम रोहित मेहरा ने जादू रखा था, उसको पहले ही पार्ट में उसके ग्रह वापस भेज दिया गया था और उसी के बाद से हर सीक्वल के रिलीज में फैंस जादू को वापस लाने की डिमांड करते आए हैं। क्या आप जानते हैं इंडिया के सुपरहिट क्रिश फ्रेंचाइजी में काम कर रहे जादू का रोल आखिर किसने निभाया था? जादू का रोल किया था इंद्रवदन पुरोहित ने। इंद्रवदन पहले भी बॉलीवुड की कई फिल्मों में और टीवी शोज में नजर आ चुके हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में 250 मूवी करी थी। जादू ने अपनी कमाल एक्टिंग और क्यूटनेस से फैंस का दिल जीत लिया था, मगर बाकी दोनों ही सीक्वेंस में जादू की वापसी ना होने से फैंस मायूस थे। दरअसल साल 2014 में ही इंद्रवदन पुरोहित की डेथ हो गई थी। उनके बाद इस रोल में परफेक्ट कौन फिट बैठेगा, इस पर काफी सोच विचार चल रहा है, इसलिए भी फिल्म में देरी हो रही है। कोई मिल गया जादू की प्रेजेंस की वजह से ही इंडिया की फर्स्ट पॉपुलर साइंस फिक्शन फिल्म बन पाई थी। अब इस फिल्म को नेक्स्ट लेवल सुपर हीरो हॉलीवुड जैसे साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म बनाने के लिए इस बार VFX और विजुअल इफेक्ट्स की पूरी जिम्मेदारी शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के VFX स्टूडियो की टीम को दी गई है। अब इस मूवी में बड़े से लेकर रोशन फैमिली के बच्चे भी पूरा डेडिकेशन दे रहे हैं, यहाँ मतलब है उनके ग्रैंडसन से। ऐसे में फिल्म में जादू की वापसी और पूरी फिल्म देखने में यकीनन काफी मजा आने वाला है। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग कैसी होगी जादू की? पिता, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने और स्वागत करती हूँ आपको बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। दोस्तों साल 2000 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म कहोना प्यार है से ऋतिक रोशन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। पहली ही फिल्म से ऋतिक ने दर्शकों के दिलों में अपने लिए खास जगह बना ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं हैंडसम हंक ऋतिक रोशन को ये फिल्म कैसे मिली थी? मशहूर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर ने इसका खुलासा किया है कि उनके मुताबिक उनकी फोटोग्राफी की वजह से ही ऋतिक को फिल्म में रोल मिला था। बता दें डब्बू रत्नानी ने कहा कि मैंने फिल्म कहोना प्यार है से पहले ऋतिक रोशन का पहला पोर्टफोलियो शूट किया था। ऋतिक ने मुझे बताया था कि मेरे पोर्टफोलियो की वजह से ही उन्हें कहोना प्यार है जैसी फिल्म में काम मिला था। उनके पिता राकेश रोशन ने मुझे फोन कर कहा कि आपकी फोटोज देखी मैंने और मैंने अपने बेटे के साथ फिल्म करने का फैसला किया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि हमेशा लोगों के साथ ईमानदार रहो। बात मजेदार और काफी सच है। डब्बू ने आगे कहा कि तब से लेकर अब तक मेरा ऋतिक या बाकी सभी एक्टर्स जो कि फिल्म इंडस्ट्री से हैं, मुझे पता चल जाता है अगर कोई फेक होता है। अपने फोटोशूट को लेकर डब्बू रत्नानी ने कहा कि आपको सभी के साथ एक वाइब क्रिएट करनी पड़ती है, लेकिन ये सभी इस पर निर्भर करता है कि आप शूट के वक्त कैसा बिहेव करते हो। मेरे लिए वो मेरे दोस्त हैं, मैं इस मेंटल स्पेस के साथ नहीं चाहता हूं कि मैं स्टारस्ट्रक हूं। डब्बू रत्नानी हर साल बॉलीवुड सेलेब्स के साथ फोटोशूट का एक कैलेंडर निकालते हैं। डब्बू के कैलेंडर की काफी चर्चा होती है। उनके फोटोशूट में हर स्टार का एक अलग ही अंदाज निखर कर हमारे सामने आता है और यहाँ तक कि कई एक्ट्रेसेस के ग्लैमरस फोटोशूट भी हमारे सामने डब्बू की वजह से ही आते हैं। इनमें टॉपलेस से लेकर शर्टलेस तस्वीरें भी शामिल होती हैं। डब्बू के फोटोशूट में कई स्टार्स अपनी स्क्रीन इमेज के उलट नजर आते हैं। डब्बू का इस साल का सेलिब्रिटी फोटोशूट रिलीज हो गया है जिसकी जबरदस्त चर्चा हो रही है, जो कुछ ही टाइम में हमारे सामने आने वाला है। इस शूट में अब की बार कुछ अलग किया गया है जिसमें क्रिश फोर को प्रमोट करने की बात सामने आ रही है। मतलब है कि इस फोटोशूट में ऋतिक ने अपना क्रिश फोर के किरदार में शूट किया है। आपको बता दें कि क्रिश फोर में ऋतिक रोशन डबल रोल निभाते दिखेंगे, मतलब इस बार हीरो और विलन दोनों का किरदार निभाते दिखेंगे। वो खुद नई चुनौतियों का सामना करना चाहते थे और क्रिश फोर में उन्हें एक काम करने का मौका मिल गया। वैसे आपको बता दें कि क्रिश और क्रिश 3 में भी ऋतिक रोशन के डबल रोल निभाए थे। उन्होंने पिछली दोनों फिल्मों में बाप बेटे का किरदार निभाया था, लेकिन क्रिश 4 में वो खुद ही हीरो और खुद ही विलेन के रोल में दिखाई देंगे। ऐसे में इस फिल्म का इंतजार करना तो बनता ही है। वैसे आप इस खबर को जानकर कितने उत्साहित हैं यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनी। हम सब ने कृष्ण, मैं भी कृष्ण, कृष्ण ने कहा था मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। क्या क्रिश 4 में हो सकती है नए सितारों की एंट्री? क्या फिल्म में देखने को मिल सकते हैं टाइम लैप्सेस? स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियो से। ऋतिक रोशन स्टारर सुपर हीरो सीरीज क्रिश की चौथी फिल्म आने वाली है और इस फिल्म के लिए जनता की एक्साइटमेंट को सोशल मीडिया पर काफी अच्छे से देखा जा सकता है। जहां एक ओर
ब्लैक केप में सजे सुपर हीरो को देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से अपने फेवरेट जादू को देखने की उम्मीद में उन्हें अपने सीट के एज पर ला बैठे हैं। लेकिन क्या इस फिल्म से केवल जादू लौटने वाला है या फिर कोई और भी पुराना दोस्त? जी हाँ, कृष्णा की मदद करने के लिए रीअपेयर होने वाला है कोई। जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिल्म में रोहित के ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन ने दुनिया को हैरान किया है तो वो है फिल्म में देखी क्यूटी हंसिका मोतवानी में आए बदलाव, जिन्होंने कुछ ही सालों में चाइल्ड एक्टर से मेन लीड एक्टर के रोल तक की छलांग लगा ली और कई सुपरहिट फिल्मों में भी नजर आई। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि फिल्म में रोहित की समझदार चाइल्ड फ्रेंड के रूप में दिखी टीना 5 साल बाद ही हिमेश रेशमिया की फिल्म आपका सुरूर में लीडिंग लेडी के रोल में दिखी थी। जी हाँ दोस्तों, उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन ने पूरी इंडिया ऑडियंस को हैरान करके रख दिया था, जिसके बाद उन्होंने कई साउथ इंडियन फिल्मों में भी काम किया लीडिंग एक्टर के तौर में। अब 18 साल बाद हो सकता है क्रिश 4 में हंसिका दोबारा। जी हाँ, हालांकि फिल्म में वो अपने चाइल्ड रोल को कंटिन्यू नहीं करेंगी, लेकिन उनका रोल जरूर अहम होने वाला है। लेकिन क्या वो फिल्म में प्रियंका चोपड़ा की जगह लेंगी? इन खबरों पर कोई भी खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। दरअसल मेकर्स जानते हैं कि इस समय सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि बिहाइंड द सीन्स पर स्टोरी कनेक्शन स्टोरीज भी किसी भी फिल्म की सक्सेस पर गहरा असर डालती है और उन्हें न्यूज में बनाए रखने की मदद ही करती है। इसलिए इन्हीं स्टोरीज को क्रिएट करने के लिए राकेश रोशन ने उस नाम को चुना है जो पूरे क्रिश सीरीज की सबसे चर्चित मिस्ट्री है। हालांकि क्या हंसिका भी इस फिल्म में आएंगी, इस पर अभी तक कोई भी खबर सामने नहीं आई है। हमें आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कोई मिल गया कि क्यों टीना को फिर से एक बार आप सीरीज में देखना चाहेंगे, और अगर हाँ तो आपके हिसाब से उनके लिए कौन सा रोल परफेक्ट रहेगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया